Okay, hello everyone. Good evening. Sorry, I was about to say good afternoon, but it's good evening. Nice to see you all here, bachcho. And welcome to Neet Voyage channel. और आज हम यहाँ पे 60 most expected questions discuss करने वाले हैं from breathing and exchange of gases. आज सुबह ही हमने 12 बजे, like it was afternoon in fact, हमने NCERT exemplar भी solve किया था इसी chapter से. तो I hope you all are ready. I have here Anjani. Hello Anjani. Hello Chaman. Hello Nafisa. Hello Himanshi. Hello Mandeep. Hello Shashank. Hello Jasmine. Nice to see you all here, bachcho. So let's start with our 60 most expected question from breathing and exchange of gases. मुझे full participation चाहिए. सबको यहाँ answer करना है. Good evening, बच्चे. Good evening. चैट में बॉक्स पे आप आंसर कर सकते हो. अगर आपका आंसर सही है, आई एम गोना टेक योर नेम एज वेल. सो लेट मी वेलकम यू ऑल टू नीड वॉयज चैनल एंड आई एम स्वागता मुखर्जी. एंड एज यू ऑल नो, मेरी प्लस कोर्सेज भी चल रही है बच्चों, लॉन्च हो चुकी है और ये एवरी डे 6 बजे होता है. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है. इनफैक्ट आज इसका क्विज भी है. तो जो लोग प्लस में सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी है वो इस क्विज को पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द ऐप और आप प्लस की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ऑफ ईदर 1 ईयर या फिर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन. उसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, नीट यूजी पे क्लिक करना है, देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ ईदर 1 ईयर और 2 ईयर. बट ये वाले और अवेलेबल नहीं है, ये प्राइजेस आपके चले जा चुके हैं. इंक्रीज हो गया है बच्चों. इंक्रीज कितना हुआ है आई शो यू दैट, ठीक है. उसका मैंने आपको वो स्लाइड भी शो करना है कितना इंक्रीज हो गया एंड एवरीथिंग. सो Before that, let's start with our discussion of question. Okay, I hope you all are ready. Are you all ready? Give me a thumbs up if you are ready. We can start then. Sab log ready ho? Should we start then? Should we start with our discussion? Guys, come on. Quickly, quickly. Jaldi, jaldi answer kar dijiye. Ek thumbs up de do agar aapko, if you all are ready to answer. Mujhe chat box nahi dikh raha yaar. Yeah, I can see now. Okay, perfect. So I'm starting. The first question is on the screen. Let's discuss that. First question यहाँ पे हम discuss करेंगे बच्चों. अगर आपको answer आता है आप answer कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है. Okay, Shashank, Nafisa, Chaman, everybody is ready here. चलो. Pressure gradient between lungs and atmosphere is maintained by. तो usually atmosphere में आपका pressure gradient कितना होता है? It is higher. ठीक है, हमेशा हाई होना चाहिए. और आपके लंग्स में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो हमेशा लो होना चाहिए, ठीक है. और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. हाई टू लो यूजुअली आपकी गैस की मूवमेंट होती है. वी कैन चेंज द प्रेशर, राइट. तो प्रेशर को चेंज करने के लिए वी नीड टू इधर कॉन्ट्रैक्ट द मसल और रिलैक्स द मसल, है ना. तो कौन कौन सी मसल्स हेल्प कर रही है बच्चों? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए. या आंसर मिल चुका है मुझे. Chaman has answered, Jasmine has answered, Fatima, Nafisa has answered here, Mahima has answered, Shashank, Shibani and Sakshi. The right answer would be D, all of these. क्यों? देखो, diaphragm क्या करता है? वो increase करता है आपके thoracic cavity को. It increases the thoracic cavity क्योंकि ये suppose आपकी thoracic cavity है यहाँ पे. And this is the diaphragm here. तो जब आप डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो नीचे इस तरह से आपका फ्लैटन हो जाएगा, डोम शेप. तो आपने क्या किया, कैविटी को बढ़ा दिया, राइट. इंटरपोस्टल मसल्स क्या करेंगे? आपकी एक्सटर्नल इंटरपोस्टल मसल इस तरह से कैविटी को और एक्सपैंड करेगी बाहर की तरफ, राइट, आउटवर्ड एंड अपवर्ड. तो फिर से आपने एक्सपैंड किया अपने थोड़ा सी कैविटी को, तो एक्सटर्नल भी इंक्रीज करता है, राइट. और इंटरनल इंटरपोस्टल मसल क्या करता है? इसको और छोटा कर देता है, डिक्रीज करता है. इस तरह से आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की फंक्शन होती है. तो ये क्या करता है? आपका इंटरनल वाला डिक्रीज करता है. तो प्रेशर ग्रेडियंट वो चेंज कर रहा है ना. सो ऑल ऑफ दीज आर चेंजिंग द प्रेशर ग्रेडियंट. जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम अगर कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट. गाइज, गुड इवनिंग शिवानी, नाइस टू सी यू ऑल हियर. और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है. Now I'm moving on to the next question. बच्चों, second question पे हम move कर चुके हैं. Which of the following is true for diaphragm except, मतलब इसमें से कौन सा गलत है? Muscular structure है, बिल्कुल है. किस चीज का बना हुआ है diaphragm? Is made up of phrenic muscle. ये आपकी phrenic muscles की बनी हुई है. Is it found in all vertebrates? सारे vertebrates में मिलता है ये? Is it correct? No, ये सारे vertebrates में नहीं मिलता है. Where they are found? They are only found in mammals. They are found only in mammals. ठीक है जी. So this would be the answer. Just a second, बच्चों, एक minute. Okay.
लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. ऑर्निली इन मैमल्स ये मिलता है बच्चों, ठीक है. इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, यूरिन एलिमिनेशन एंड चाइल्ड बर्थ. यस करेक्ट. इट इज डोम शेप्ड इन नॉर्मल कंडीशन. ये भी सही है, नॉर्मल कंडीशन में वो डोम शेप्ड हो जाएगा, डोम शेप, राइट. और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, आपका फ्लैट हो जाएगा. सो बी वुड बी द राइट आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. शिबानी ने सही जवाब दिया है, जैस्मिन ने सही जवाब दिया है, तालिब खान ने सही जवाब दिया है, एंड चमन ने भी सही जवाब दिया है. शशांक हैज आंसर्ड करेक्टली. गरिमा का थोड़ा सा गलत हो गया है, नफीसा साक्षी का थोड़ा सा गलत हो गया है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. हम यहाँ पे सीखने आए हैं, अगर गलत भी हो रहा है तो नो प्रॉब्लम. महिमा हैज ऑल्सो आंसर एंड शी हैज आंसर्ड करेक्टली. सारे मैमल्स में नहीं मिलता, सारे वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलता, ये सिर्फ मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. और वर्टिब्रेटा में तो मैमल, एव्स, रेप्टाइल, एम्फीबिया, पाइसेस सब आते हैं. करेक्ट. ओके, सो बी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं. Which of the following is the part of thoracic chamber? इसमें से कौन सा thoracic chamber का part है? So अगर आपने thoracic chamber ले लिया, so thoracic chamber side से अगर हम देखेंगे, so it has dorsally क्या present है, पीछे क्या present है, dorsal present है आपका vertebral column, है ना, vertebral column present है, right? Okay. आगे से क्या present है, आगे से present है ventral side से क्या present है, sternum, right? So this is nothing but the sternum here. और लैटरली क्या प्रेजेंट है, लैटरली प्रेजेंट होता है रिब्स, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इस तरह से रिब्स दिखेंगे, सो यू विल सी नथिंग बट रिब्स प्रेजेंट हियर. कहाँ लैटरली क्या प्रेजेंट है, रिब्स, ओके, लैटरली, लैटरल साइड पे, ओके. और नीचे क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टेरियर साइड, दिस प्रेजेंस ऑफ नथिंग बट डायाफ्राम. इस तरह से क्या प्रेजेंट है, डायाफ्राम, जो कि आपके कौन से साइड पे प्रेजेंट है, पोस्टेरियर साइड पे प्रेजेंट है, राइट. ओके, सो दिस वुड बी द राइट आंसर. ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब है. रिब्स भी है, वर्टिब्रल कॉलम भी है, डायाफ्राम भी है, स्टर्नम भी है. ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. तालिब खान ने सही जवाब दिया है, जैस्मिन ने सही जवाब दिया है, हिमांशी, गरिमा राणा, वैष्णवी ने भी सही जवाब दिया है. यस, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑप्शन सी ऑफ टू. ऑप्शन सी ऑफ टू कौन सा, ये वाला, अच्छा हाँ. डायाफ्राम आपकी ब्रीदिंग में कैसे हेल्प कर रहा है, ब्रीदिंग में ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्शन करके हेल्प कर रहा है. यूरिन एलिमिनेशन में कैसे करता है, जब आप यूरिन को एलिमिनेट करते हो, यू कॉन्ट्रैक्ट योर डिट्यूजर मसल ऑफ द ब्लैडर. तो आप ब्लैडर की डिट्यूजर मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है. एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको जगह चाहिए होती है, तो एब्डोमिन रिलैक्स करता है उस टाइम पर, इट प्रोवाइड सम स्पेस फॉर द एब्डोमिनल मसल. एंड ऑब्वियसली चाइल्ड बर्थ, तब भी आप पुश कर रहे हो, राइट, यू आर पुशिंग द चाइल्ड आउट, उस टाइम पे भी आपको एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, तो ऊपर डायफ्राम भी उसको हेल्प करता है. करेक्ट, दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे. ओके, न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट एट. कहाँ पे प्रेजेंट होती है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए. फोर्थ का आंसर क्या होगा बच्चों, फास्ट फास्ट आंसर करना है. वी ऑल नो न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हम यूजुअली स्विच ऑफ पॉइंट बोलते हैं. आज सुबह भी ये वाला हमने डिस्कस किया था, क्यों हम इसको स्विच ऑफ पॉइंट बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या है. ये आपके इनहेलेशन के लिमिटेशन को रोकता है. जैसे आप इनहेल कर रहे हो, इसके बाद आप और इनहेल नहीं कर सकते हो, तो किसने रोक दिया इस चीज को, क्योंकि आप इनहेल करते रहोगे तो आपका लंग्स तो बर्स्ट आउट हो जाएगा, तो वो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर का फंक्शन क्या होता है, वो आपके एप्न्यूस्टिक को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ये डीप इनहेलेशन आपकी एप्न्यूस्टिक ही करवा रही थी, ठीक है. सो इट इज लोकेटेड वेयर, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द पॉन्स वेरोली रीजन ऑफ योर ब्रेन. आपके ब्रेन में ये पॉन्स रीजन है, एंड सपोज दिस इज नथिंग बट द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. सपोज ये आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, एंड दिस रीजन इज नथिंग बट योर पॉन्स वेरोली. तो समवेयर हियर यू विल सी नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है एप्न्यूस्टिक सेंटर. सो दिस थिंग हियर इज नथिंग बट न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड दिस वन हियर इज योर एप्न्यूस्टिक सेंटर. करेक्ट जवाब दिया है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. जैस्मिन हैज आंसर्ड करेक्टली, देन रिया ने सही जवाब दिया है, वैष्णवी ने सही जवाब दिया है, हिमांशी, जयश्री, तालिब खान, अक्षय, नम्रता, चमन, नफीसा, रिया. ओके, परफेक्ट गाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं. इन ह्यूमन बींग्स
ऑब्लिक फिशर्स आर एसोसिएटेड विथ. ऑब्लिक फिशर्स कहाँ पे आपको दिखता है? लेट्स सी ऑब्लिक फिशर क्या है. सपोज ये आपका राइट लंग है, राइट, ये आपकी राइट लंग है एंड दिस वन हियर इज नथिंग बट योर लेफ्ट लंग हियर, ये आपका लेफ्ट लंग है, करेक्ट. तो योर राइट लंग हियर, आई जस्ट राइट हियर, यहाँ पे मैं राइट लिखती हूँ और यहाँ पे मैं लेफ्ट लिखती हूँ. राइट लंग आपकी तीन लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है. एक ऑब्लिक फिशर, जो यहाँ पे आपको ऑब्लिक फिशर दिख रही है वो डिवाइड कर रहा है, राइट, ऑब्लिक फिशर. एंड द अदर वन इज नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल फिशर. ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल फिशर है, करेक्ट. ओके, आंसर मुझे लगता है मुझे मिलना शुरू हो चुका है. आई टेक योर नेम्स, डोंट वरी. एंड लेफ्ट लोब सिर्फ दो लोब्स, लेफ्ट वाला लंग दो लोब्स में डिवाइडेड बाय अ ऑब्लिक फिशर, क्योंकि ऑब्लिकली है, सिंपल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है. सो दिस इज योर ऑब्लिक फिशर हियर. तो ऑब्लिक फिशर आपको कहाँ पे मिलेगा? बोथ लंग्स में मिलेगा, दे आर फाउंड इन बोथ लंग्स, सो दिस वुड बी एन आंसर. थ्री, रमन ने सही जवाब दिया है, रिया तालिब खान ने सही जवाब दिया है, चमन ने सही जवाब दिया है एंड देन जैस्मिन हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली, गरिमा ने सही जवाब दिया है, हिमांशी ने भी सही जवाब दिया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटायरली मेड ऑफ कार्टिलेज, इसमें से कौन सा कार्टिलेज से ही बना हुआ है, कोई बोनी स्ट्रक्चर उसमें नहीं है. नेजल सेप्टम, नहीं, नेजल सेप्टम में आधा कार्टिलेज है आधा बोन है, नेजल सेप्टम बोन है आपका, राइट, तो ये तो होगा नहीं. लैरिंग्स में टोटल 9 कार्टिलेजेस होती है, सो देयर आर टोटल 9 कार्टिलेजेस प्रेजेंट इन योर लैरिंग्स, सो दैट वुड बी एन आंसर. ग्लॉटिस इज नथिंग बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ कार्टिलेज, योर ग्लॉटिस हैज अ टिश्यू एज वेल, उसमें आपकी कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होती है, मस्क्यूलर टिश्यू भी होती है, राइट, तो ये भी नहीं होगा. ट्रैकिया में आपको कार्टिलेज भी मिलता है प्लस आप में उस आपको उसमें टिश्यू भी मिलती है ना, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू भी आपके ट्रैकिया में होता है. सो इट इज नॉट एंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज. सो हु इज एंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज? योर लैरिंग्स. सो सिक्स का आंसर क्या होगा? बी. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. जयश्री हैज आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी, नेहा ने भी सही जवाब दिया है, तालिब ने सही जवाब दिया है, महिमा हैज आंसर्ड करेक्टली, देन रमन ने भी सही जवाब दिया है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका गलत हुआ है नो प्रॉब्लम, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है. सेवेंथ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम इज ड्यू टू वॉट, क्या करता है जब आपकी डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा. लेट्स सी हियर, सपोज ये आपका थोरासिक कैविटी है, आपका नेक है, दिस इज योर थोरासिक कैविटी और ये आपकी डायाफ्राम है. तो जब आपकी डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना, डायाफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो फ्लैट हो गया तो थोरासिक कैविटी इंक्रीज हो गई है, सो देयर इज अ इंक्रीज इन द थोरासिक वॉल्यूम. ओके, सो देयर इज अ इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक चेंबर इन एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस. एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस मतलब क्या? ये वाली एक्सिस, ये वाली नहीं, दिस वाला एक्सिस इज कॉल्ड एज योर लैटरल एक्सिस, ये आपका लैटरल एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट योर एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस, क्योंकि ये एंटेरियर साइड है ये पोस्टेरियर साइड है, सो दिस कॉल्ड एज एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस. इस तरह से वो बड़ा करेगा, इस तरह से नहीं, इस तरह से कौन करता है? आपकी रिब केजेस, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, राइट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी नथिंग बट दिस वन हियर. डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कैसा होता है? आगे और पीछे से, इस तरह से, तो वो तो आपकी रिब केजेस कर रही है, राइट, नॉट योर डायाफ्राम. So the correct answer would be 1. Himanshi answered correctly. Jayashri answered correctly. Hello Jayaprakash, nice to see you here. Riya answered correctly. Okay, Raman has answered correctly. Thank you Raman, thank you so much. And Anushka has answered correctly. Garima Rana answered correctly. Akshay ne bhi sahi jawab diya hai. Vaishnavi ne bhi. Moving on to the next question. 8 question pe hum move karenge bachcho. हीमोग्लोबिन दैट इज बॉन्डेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी हीमोग्लोबिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड है, दैट इज व्हाट डू वी कॉल दिस एज, हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. आई थिंक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने सुबह भी किया था, सेम क्वेश्चन नहीं था बट इससे रिलेटेड थे, है ना, एंड देयरफॉर कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी कॉल इट एज, व्हाट वुड बी द राइट आंसर. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं हम उसको, मिथेमोग्लोबिन बोलते हैं, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बोलते हैं या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, व्हाट वुड बी द राइट आंसर.
बिल्कुल सही जवाब दिया है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज. बिल्कुल सही जवाब दिया है, मैंने यहाँ लिख ही दिया था ऑलरेडी, है ना. तो ये बोनस पॉइंट हो गया. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. नेहा ने सही जवाब दिया है, जयश्री, वैष्णवी, रिया, अक्षय, रमन, हिमांशी, चमन पांडे, शशांक, नफीसा, तालिब, रमन कुमार. परफेक्ट गाइज, वैष्णवी ने भी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन. आज हमें सारे 60 क्वेश्चंस करके जाना है यहाँ से, ठीक है. पूरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ट्यूसडे को हम इसी का क्या करने वाले हैं, क्विज लेने वाली हूँ मैं. तो हम हर बार ऐसा ही करेंगे. डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया, फिर उसकी 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, फिर हमने उसका क्विज भी किया था. वैसे ही रेस्पिरेशन का करेंगे, सर्कुलेशन का करेंगे, लोकोमोशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, हर एक चैप्टर को मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है. ये आपका साइड बाय साइड चलता रहेगा रेगुलर क्लासेस की. चलो देखते हैं 9th किसने. हाँ जी शशांक, सुबह वाला क्वेश्चन मैंने 12 बजे किया था. सुबह तो नहीं है, दोपहर हो गया था, 12 बजे, ठीक है. चलो, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप लोकेटेड इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. नॉर्मल रेस्पिरेशन में आपकी जो VRG है ये पॉन्स रीजन है, एंड दिस इज नथिंग बट द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट. सो सपोज ये आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है एंड दिस इज द पॉन्स रीजन, राइट. तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका VRG और इसके ठीक पीछे यहाँ पे प्रेजेंट होता है DRG डॉर्सल साइड में. तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में ये इनएक्टिव रहता है. इन नॉर्मल रेस्पिरेशन दिस रिमेन्स इनएक्टिव. सो 9 का राइट आंसर वुड बी दिस. क्यों, आर यू अवेयर ऑफ दैट? देखो नॉर्मल ब्रीदिंग आपका DRG करता है, ठीक है. सो इट रेगुलेट्स नॉर्मल ब्रीदिंग. अब मुझे एक बात बताओ, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तो कौन सा एक्टिव प्रोसेस होता है, कौन सा पैसिव प्रोसेस होता है? सिर्फ आपकी इनहेलेशन एक्टिव है, पैसिवली तो हो ही रहा है आपका एक्सहेलेशन. कैसे होता है, लेट सी हियर. मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान अच्छे से समझा देती हूँ, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. हम यही इसीलिए तो ऐसे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है. देखो ये सपोज आपका थोरासिक कैविटी थी, था, है ना, नॉर्मल थोरासिक कैविटी है. रुको थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है. जिसको भी डाउट्स है ना इस चीज में कि क्यों एक्टिव है, क्यों पैसिव है, वो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ. ये सपोज आपका नॉर्मल थोरासिक कैविटी था, ठीक है. अब आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो. तो इनहेल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोरासिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है ताकि प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले डायाफ्राम को फ्लैट कर दिया, राइट. और आपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से इस चीज को भी आपने बढ़ा दिया, राइट. आपकी थोरासिक कैविटी को पूरा आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया. तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हुआ, एयर आ गया नीचे, ठीक है. हाँ जी, यस यस तालिब, आपको PDF में मिल जाएगा सारे क्वेश्चन, एवरी डिटेल्स आपको PDF में मिलता है विद एनोटेशन, टेंशन मत लो, ठीक है. ओके लेट मी टेल यू. तो आपने इस तरह से इसको इंक्रीज किया है ड्यूरिंग इनहेलेशन. तो एक्सहेलेशन, तो इनहेलेशन के लिए आपने क्या किया था, सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किए थे, है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे सारे मसल्स को ड्यूरिंग इनहेलेशन. एक्सहेलेशन में क्या होगा, आप रिलैक्स कर दो इन मसल को. नॉर्मल एक्सहेलेशन में आप रिलैक्स कर दो. जैसे ही आप रिलैक्स करोगे ये सारे के सारे मसल्स वैसे ही अपने पोजीशन में चले जाएंगे, है ना. तो आपको अलग से कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? तो आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हो नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो इसीलिए वो आपका पैसिव प्रोसेस है. लेकिन जब आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन करोगे तब आपको थोड़ा और थोरासिक कैविटी को थोड़ा और कम करना पड़ेगा. देन यू हैव टू मूव इट लाइक दिस, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कॉन्ट्रैक्ट द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज योर फोर्सफुल ब्रीदिंग. तो तभी आपकी DRG को हम क्या बोलते हैं, इट ओनली रेगुलेट्स और मेंटेन्स इनहेलेशन, क्योंकि उसके लिए ही कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है. एक्सहेलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है. तो ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग पे काम आ रहा है. VRG क्या करता है, ये आपकी फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम दिलाता है. कैसे कराता है ये फोर्सफुल ब्रीदिंग, और फोर्सफुल ब्रीदिंग मतलब फोर्सफुल में तो आप दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना. ड्यूरिंग इनहेलेशन भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मसल को, एक्सहेलेशन भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, करेक्ट. ओके, तो उसके लिए VRG एक्टिव हो जाता है. कौन एक्टिवेट करता है VRG को, उसको एक्टिवेट करेगा ये एपन्यूस्टिक. ये एपन्यूस्टिक सेंटर, यहाँ पे आपका न्यूमोटैक्सिक है, ये इसको पॉजिटिव सिग्नल भेजता है और बोलता है कि इनहेलेशन को और बढ़ाओ. बढ़ाने वाला इनहेलेशन इज नथिंग बट योर फोर्सफुल इनहेलेशन, ठीक है. लेकिन न्यूमोटैक्सिक क्या करेगा, ये ऊपर वाला ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है इसको, किसको, एपन्यूस्टिक को, कि इस बस बहुत हो गया, स्विच ऑफ.
इससे ज्यादा अगर करेंगे, अगर इनहेल ज्यादा करेंगे तो बर्स्ट हो जाएगा. तो वीआरजी आपके नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त इनएक्टिव रहता है. मैंने ये सेम चीज समझाया भी था स्पेशल क्लास में, ठीक है. लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. 3 इज द राइट आंसर. हिमांशी आंसर्ड करेक्टली. महिमा आंसर्ड करेक्टली. यस जयश्री, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू हैव ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली. यशस्वी आंसर्ड करेक्टली. हाँ जी, रिया ने सही जवाब दिया है. एंड ओके, हेलो दीप्ति, नाइस टू सी यू हियर. ओके परफेक्ट. रमन, सिली मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं. सो क्या हमारे पास आज भी है. एनोटेशंस आर नथिंग बट जो चीजें मैं ये लिख रही हूँ ना अभी पेन से, दीज आर एनोटेशंस. तो आपको ये एनोटेशंस के साथ ही पीडीएफ मिल जाती है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर करेक्टली 10th क्वेश्चन. ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दैट इज योर HbO2, करेक्ट, इन द ब्लड. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? लेट्स सी क्या होना चाहिए. ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन रिटर्न टू द लंग्स एंड कैरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2. नो, 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है वो, तो ये गलत होगा. ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ एसिडोसिस हीमोग्लोबिन इज एबल टू कैरी मोर ऑक्सीजन. नहीं, जब आपका pH डिक्रीज होता है, मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका HB डिसोसिएट हो जाता है, वो कैरी नहीं करता है ज्यादा ऑक्सीजन, तो ये भी गलत हो गया, करेक्ट. इंक्रीज्ड BPG, BPG इज नथिंग बट योर बिसफॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी हम इसको बोलते हैं, राइट. तो ये क्या करता है, अगर BPG आपका इंक्रीज हो गया तो आपकी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर जाएगी O2 से, एसोसिएट नहीं करती. अगर BPG लो है तो ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो BPG है वो आपके हीमोग्लोबिन के बीटा सब यूनिट के साथ अटैच होती है ना. सो इंक्रीज BPG लेवल इन रेड ब्लड सेल विल एनहांस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. नो, मैंने यहाँ पे क्या बोला, डिसोसिएट कर जाता है, करेक्ट. तो ये भी गलत हो गया, तो ऑब्वियसली 4th वाला ही आंसर होगा. बट एक बार पढ़ लेते हैं. A 50% oxygen saturation level of blood returning to the lungs might indicate an activity level higher than normal. Yes, this is absolutely correct. Let's see how many of you have answered correctly. Iska answer hoga 4. Jayashri, Reema, Himanshi, Yashashvi, Nafisa, Garima, Mansi, okay, Chaman, then Shashank. Shashank bachche galat ho gaya, theek hai. Raman ne bhi sahi jawab diya hai. ताले बच्चे, PDF का लिंक आपको ये जो वीडियो चल रहा है ना इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है ना वहां मिल जाएगा. बट अभी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि अभी तो मैं लिख रही हूँ. क्लास खत्म होने के बाद मैं वो PDF अपलोड कर देती हूँ, फिर वहां से आपके चैनल वाले कर देते हैं, तो टेंशन मत लो, ठीक है. ओके आदर्श, आई हैव ऑलरेडी टॉट एनिमल टिश्यू. माई एनिमल टिश्यू आज ही फिनिश हुआ है स्पेशल क्लास में. ऑल द एनिमल टिश्यू आई हैव टॉट. कॉकरोच इज ऑल्सो डन, बट वो मैं एक और बार पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, फॉर टारगेट 2021, ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 11th का, अच्छा 11th का आंसर भी दे दिया है अक्षय ने और उर्मिला ने. लेट्स सी उन्होंने सही जवाब दिया है या नहीं. अ सेंटर दैट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, जो मॉडरेट करता है. रेस्पिरेटरी रिदम कौन सा है आपका? यूजुअली DRG VRG को हम रेस्पिरेटरी रिदम बोलते हैं, राइट. तो उसको मॉडरेट कौन कर रहा है? ये तो आपका DRG एंड VRG है, दैट वी नो. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज मॉडरेटिंग देम? कौन करता है? वो आपका एपन्यूस्टिक करता है एंड ऑब्वियसली न्यूमोटैक्सिक करता है ना. न्यूमोटैक्सिक ये दोनों करते हैं, तो इन दोनों का लोकेशन क्या है वो पूछा है. जो मॉड्यूलेटर है उसका क्वेश्चन, उसका लोकेशन पूछा है, न्यूमोटैक्सिक, राइट. सो दे आर प्रेजेंट इन द पॉन्स वेरोली, दैट वुड बी द आंसर, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी था. दे हैव आस्क्ड अ सेंटर दैट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस डायग्राम में समझाया था ना कि ये एपन्यूस्टिक सेंटर VRG से फोर्सफुल ब्रीदिंग करवाता है, तो ये मॉडरेट कर रहा है ना आपके रिदम को. पहले आप स्लो रिदम था, रिदम फास्ट हो गया, तो ये मॉडरेट कर रहा है. वो कहाँ लोकेटेड है? एपन्यूस्टिक सेंटर पॉन्स वेरोली में. सो दैट वुड बी एन आंसर. हैव यू गॉट इट? 11th का सही जवाब दिया है नफीसा ने. देन योर ज्योति ने सही जवाब, सॉरी हिमांशी ने सही जवाब दिया है. एंड रिया ने सही जवाब दिया है. चमन ने सही जवाब दिया. यशस्वी, शुभम, अक्षय, ओके परफेक्ट नाइस. बिष्ट ने भी सही जवाब दिया है. बच्चे महिमा, मेरा क्लास यूजुअली 3 बजे और 7 बजे होता है नीट बॉय चैनल पे, लेकिन सैटरडे संडे थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है. जैसे आज की एक्स्ट्रा क्लास 12 बजे थी एक, और एक 1 बजे भी थी.
ठीक है, कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाला है, बट दैट वुड बी एट अराउंड 3 PM ओनली, बट वो दैट इज A to Z सीरीज, वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग क्लास होती है. ओके, सैटरडे संडे थोड़ा फन डे होता है ना. ओके परफेक्ट. हाँ जी आदर्श, आई विल बी टीचिंग कॉकरोच ऑन ऐप. अभी तो फिलहाल ऐप में पढ़ाया जाएगा, स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसके बाद मैं नीट वॉयज चैनल में वो पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं नीट वॉयज चैनल में फॉर टारगेट 2021 एंड 2022. चलो जल्दी जल्दी से आप आंसर कर दीजिए 12th का. व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर्ड बाई एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड टू द एल्वियोलाई. ठीक है, तो सपोज ये आपका यहाँ पे एल्वियोलाई है, राइट, सो दिस इज योर एल्वियोलाई हियर, लंग्स है, ठीक है, यहाँ से आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल रही है, राइट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सपोज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके लेके जा रही है, ठीक है, सो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज अराउंड 20 ml ऑफ O2, ठीक है, 20 ml ऑफ O2 जो कहाँ पे जाता है, आपके टिश्यूज में. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके टिश्यूज एंड सेल्स, लेट सी हियर, दिस इज सपोज योर टिश्यूज, ठीक है, तो टिश्यूज में नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 5 ml ऑफ O2 ही पहुंचता है आउट ऑफ 20 ml, बाकी 50 ml वापस आ जाती है आपके एल्वियोलाई में वाया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, 15 ml ऑफ O2 है, प्लस जो CO2 इसने यहाँ से रिलीज किया है वो आपका 4 ml होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, फिर वो वापस आपके एल्वियोलाई में जाता है, बाकी चीजें आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है. तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, बट कम होता है, ज्यादा ऑक्सीजन होता है कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं हम, ठीक है, सो दिस वुड बी द राइट आंसर. 4 ml होता है, एवरी 20 ml विल ड्रॉप डाउन 4 ml, 15 ml होता है, उसमें से 4 ml आपके एल्वियोलाई से बाहर निकल जाती है, बाकी आपके बॉडी में ही रहती है, वो रहना जरूरी है, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही ना रहे ना आपके बॉडी में, तो HbO2 होता है ना, ये O2 कभी टिश्यू में आएगा ही नहीं, ये कभी आएगा ही नहीं टिश्यू में, क्योंकि O2 को टिश्यू में लाने के लिए मुझे इसको डिसोसिएट करना पड़ेगा ना HbO2 में, राइट, और वो कौन कराता है, बढ़ता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, अगर CO2 कुछ भी नहीं रहा, जीरो हो गया, तो ये होगा ही नहीं कभी, डू यू अंडरस्टैंड. ओके, राइट आंसर दिया है फर्स्ट, जयश्री ने सही जवाब दिया है, नफीसा हैज आंसर्ड करेक्टली, शुभम आंसर्ड करेक्टली, ओके हाँ जी, और कौन, किसने आंसर दिया, सुगंधा हैज आंसर्ड करेक्टली, उर्मिला, हिमांशी ने सही जवाब दिया, हेलो सुमित, नाइस टू सी यू हियर, हेलो अंशु, गुड इवनिंग. ओके बच्चे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, एंड यशस्वी उर्मिला ने भी सही जवाब दिया है, 13th क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, 13th क्वेश्चन, लेट्स सी हियर 13th क्वेश्चन. प्रीमैच्योर इन्फेंट्स, जो प्रीमैच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनको हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं, बच्चों आपने देखा होगा ना, जो जल्दी डिलीवरी हो जाती है, प्रीमैच्योर बेबीज बॉर्न होते हैं, उनको हम लोग यूजुअली इंक्यूबेटर में रखते हैं. क्यों रखते हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू ब्रीद प्रॉपरली, उनकी ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन ठीक से नहीं होती, एंड दे मे एक्चुअली डाई ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर्स. द रीजन इज यूजुअली आपके थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में है ना, थर्ड प्रेगनेंसी के 3 trimesters होते हैं, ईच ट्राइमेस्टर कंटेन 3 months, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में, ट्राइमेस्टर के एंड में बनता है लेसाइथिन, जो लेसाइथिन मैंने सुबह भी बताया था, लेसाइथिन इज नथिंग बट अ सर्फेक्टेंट, ये सर्फेक्टेंट ऑफ द एल्वियोलाई, ठीक है, सर्फेक्टेंट ऑफ द एल्वियोलाई, ये जो आपकी एल्वियोलाई है, ये सपोज आपकी एल्वियोलाई है, इसमें कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डिले या विदाउट एनी सीजेशन कंटिन्यूअसली O2 और CO2 डिफ्यूज हो जा रहे हैं. इतना गैस अगर डिफ्यूज होता रहेगा तो इसमें फ्रिक्शन कॉज होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा और ये एल्वियोलाई कोलैप्स कर सकती है. तो ये जो सर्फेक्टेंट है बच्चों, ये सर्फेक्टेंट क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है इतना ज्यादा सर्फेस टेंशन, ये इसको रिड्यूस करती है. तो छोटे बच्चों में, जो आपके छोटे बच्चे मतलब जो प्रीमैच्योर इन्फेंट्स हैं, उनकी थर्ड ट्राइमेस्टर फिनिश होने के पहले ही उनकी बर्थ हो चुकी है, तो लेसाइथिन बनता ही नहीं है. तो अगर वो ऐसे ही खुले में उसको अगर हम छोड़ दें, इंक्यूबेटर में ना रख के, प्रॉपर ट्यूब्स वगैरह ना दे रेस्पिरेटरी, तो उनकी लंग्स कोलैप्स कर सकती है, सारी एल्वियोलाई डैमेज हो सकती है, बच्चा मर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट होता है, एंड दैट सर्फेक्टेंट इज नथिंग बट द लेसाइथिन. हैव यू गॉट इट?
ये समझ में आया सबको? थ्री वुड बी द राइट आंसर. यस जयश्री, यू आर करेक्ट. रिया, यू हैव ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली. एंड अलाउल ने सही नहीं, अलाउल का गलत हो गया है. लेट्स सी हु एल्स. हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, उर्मिला आंसर्ड करेक्टली, अक्षय आंसर्ड करेक्टली, मोहम्मद अशरीफ, गरिमा राना थोड़ा गलत हो गया है. ओके परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी ओके. हाँ शशांक, आपका मैंने देखा नहीं था, ऊपर चला गया होगा क्योंकि कंटिन्यूअसली आंसर हो रहा है ना. बट डोंट वरी, आई नो यू आर देयर, यू आर आंसरिंग करेक्टली, आई नो यू. ठीक है, डोंट वरी. ओके, जास्मीन हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली. ओके एंड देन शुभम आंसर्ड करेक्टली. सुमित ने भी सही जवाब दिया है. ओके, 14th का हम यहाँ पे देख लेते. ट्राकिया डिवाइड्स एट इंटू टू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ व्हाट. तो ये आपका ट्राकिया है और ये आपका डिवाइड होता है इंटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज कैरिना. ये जो बाइफर्केशन पॉइंट है इसको हम कैरिना बोलते हैं. तो ये कहाँ पे होता है यूजली? इन योर नथिंग बट फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे. ये आपके फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे लेवल पे इनकी बाइफर्केशन होती है. सो थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. जयश्री आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी ने सही जवाब दिया है, अंजलि ने सही जवाब दिया है, एंड देन रिया ने सही जवाब दिया है, नफीसा आंसर्ड करेक्टली, शुभम आंसर्ड करेक्टली, आश्रीफ ने भी सही जवाब दिया है, यशस्वी, शशांक, सुमित, वेरी नाइस, अक्षय, महिमा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पे मूव कर जाए. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टू द राइट साइड. है ना, ये आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व है सपोज, है ना, और हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हमने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया है? परसेंटेज ऑफ एच बी सैचुरेशन. एच बी सैचुरेशन क्या है? मैंने सुबह ही आपको बोला था एच बी कितने एच बी इस फॉर्म में है. द अमाउंट ऑफ एच बी दैट इज इन एच बी ओ टू फॉर्म या ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म, हम उस हीमोग्लोबिन को सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं. अगर वो अकेला है एच बी या एच बी सी ओ टू के साथ बाइंड है, हम उसे सैचुरेटेड एच बी नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज अलग अलग पार्शियल प्रेशर हमने ले लिया, यूनिट क्या होता है उसका? MMHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी, और इसका तो परसेंटेज ही होगा, करेक्ट. तो ये आपके अलग अलग हमने MMHg ले लिए, यहाँ पे 10%, 20%, 30, 40, 50, 60 ले लिया ऐसे. ठीक है, अब देखो नॉर्मली जो ग्राफ आपको मिलता है, यू गेट अ ग्राफ लाइक दिस. ठीक है, ये आपका ग्राफ है, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट HbO2. सपोज लेट्स सी हियर, आपके सपोज 30 MMHg में, ये सपोज 30 MMHg है, 30 MMHg में आप क्या देखोगे कि 50% आपकी हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुकी है ना. तो हम क्या बोलेंगे इसको? P50 वैल्यू बोलेंगे. 50% हीमोग्लोबिन आपका सैचुरेटेड है, मतलब 50 आपकी बॉडी में अगर 100% हीमोग्लोबिन है उसमें से 50% हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में प्रेजेंट है, HbO2 फॉर्म में प्रेजेंट है. और उसके लिए कितना लगता है आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? 30 MMHg. ठीक है, अब अगर हमने कुछ फैक्टर्स को चेंज कर दिया, सपोज हमने पीएच को लो कर दिया है, मतलब एसिडिक पीएच है. ठीक है, ध्यान से देखना. सपोज हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर दिया, सपोज हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिक्रीज कर दिया, सपोज हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, सपोज हमने जो डाइफॉस्फोग्लिसरेट था या बाईफॉस्फोग्लिसरेट था उसको भी इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्राफ अचानक से राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी. तो पहले जिस चीज को 50% सैचुरेशन के लिए आपको सिर्फ 30 MMHg चाहिए था, अब 50% सैचुरेशन के लिए आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा है या घटा है? जल्दी से बता दो. इंक्रीज हुआ है, करेक्ट, इंक्रीज हुआ है. तो ये आपका राइट शिफ्ट है. तो आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फैक्टर राइट शिफ्ट नहीं करेगी. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सही आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन पीएच, या तो डिक्रीज हो रहा था ना पीएच, अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है मतलब एल्कलाइन होगा, और एल्कलाइन में वो क्या होता है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है, राइट साइड में नहीं. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, एब्सोल्युटली करेक्ट. सुगंधा हैज आंसर्ड करेक्टली, शशांक आंसर्ड करेक्टली, नफीसा आंसर्ड करेक्टली, रिया सिंह ने सही जवाब दिया है, शुभम ने सही जवाब दिया है, उर्मिला ने सही जवाब दिया है,
यशस्वी ने भी सही जवाब दिया है, हिमांशी राजेंद्र गरिमा राणा मोहम्मद असीफ। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने। वंडरफुल, यू ऑल आर प्लेइंग सो वेल एंड अ वेरी नाइस पार्टिसिपेशन हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कितना ज्यादा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होता है आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन, है ना, जो आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वो आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। टोटल आप में तीन मेम्ब्रेन होती है वहां पे, देयर आर थ्री डिफरेंट लेयर्स, तीन अलग अलग लेयर्स होती है। सो इट इज अराउंड 20 to 25 टाइम्स हायर, ठीक है, 20 to 25 टाइम्स हायर होती है ऑक्सीजन से, राइट। सो दिस वुड बी द राइट आंसर, आपकी 20 to 25% वुड बी द राइट आंसर। तो 16 का ए सही जवाब है, ये आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, एकदम ठीक है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली, रिया, जयश्री, मोहम्मद आसिफ, गरिमा राणा, यशस्वी, महक एंड नफीसा, उर्मिला, हिमांशी, राजा का गलत हो गया है, कृपा शंकर ने भी सही जवाब दिया है, अलाउल ने भी सही जवाब दिया है, जासमिन ने भी सही जवाब दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 17th क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। स्टडी द स्पाइरोग्राफ एंड आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड वॉल्यूम्स ऑफ फ्रॉम द कोड्स गिवन। तो आपको यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दी हुई है, तो आपको सही आंसर यहाँ पे चूज करना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी दैट बच्चों, ओके, सो यहाँ पे ए जो है, व्हाट एग्जैक्टली इज ए, ए इज नथिंग बट योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट, ये आपका ए है यहाँ पे, राइट, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज नथिंग बट योर ए हियर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपका आई आर वी है, सिर्फ ये वाला पार्ट, राइट। उसके बाद आपको पूछा है बी, व्हाट वुड बी बी, बी इज नथिंग बट योर टीवी, टाइडल वॉल्यूम छोटा सा है, करेक्ट। देन यू सी, सी वुड बी नथिंग बट ई आर बी, आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डी क्या है आपका, आर बी है, है ना, डी इज नथिंग बट योर आर बी हियर। एंड योर ई वुड बी योर बी सी, क्योंकि बी सी में क्या क्या आता है, योर आई आर बी प्लस टी बी प्लस ई आर बी। सो वॉट वुड बी द राइट आंसर, आई थिंक द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, है ना। टी वी आपका बी इज टी वी, ए इज आई आर बी, ई आर बी सी, डी इज आर बी एंड ई इज वाइटल कैपेसिटी। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी ने सही जवाब दिया है, महक नहीं, जयश्री आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, यशस्वी ने सही जवाब दिया है, उर्मिला ने सही जवाब दिया है एंड और कौन, महक ने भी सही जवाब दिया है, गरिमा राणा आंसर्ड करेक्टली, वेरी नाइस गाइस, नफीसा हैज आल्सो आंसर्ड करेक्टली, जास्मिना एज वेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेट्स सी, सुमित हैज आल्सो आंसर्ड करेक्टली एंड यस, सुगंधा हैज आल्सो आंसर्ड करेक्टली। हां जी, पहले ऑप्शन में ही आंसर आ गया, उर्मिला वेरी गुड, यू आर प्लेइंग रियली रियली वेल, सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कीप्स द लंग्स इन्फ्लेटेड इवन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, है ना, जब आप एक्सपायर करते हो, है ना, जब आप ये आपका सपोज नॉर्मल लंग था, है ना, नॉर्मल लंग सपोज थोड़ा सी कैविटी है और ये आपका जब आपने इनहेल किया है, ठीक है, ये इनहेल किया है, जब आप एक्सहेल बैक करोगे तो लंग पूरा कोलैप्स क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आरवी रहती है ना, ये वॉल्यूम रह जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि आप जब एक्सपायर कर रहे हो, तो एक्सपायर मतलब जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो लंग्स थोड़ा सा कोलैप्स होता है, पूरा क्यों नहीं कोलैप्स होता, पूरा बंद क्यों नहीं होता, सारी चीजें सारी हवा बाहर क्यों नहीं आ जाती है। व्हाट वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि सरफेस टेंशन फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड एंड नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी विल होल्ड इट, वो पूरा बंद नहीं होने देते, तभी ये आरवी कभी बाहर नहीं आता, ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ये कभी बाहर नहीं आता है, ठीक है। प्लूरल कैविटी क्या होता है, आपके लंग्स के आसपास जो इस तरह से आपको सिलोमिक कैविटी दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, वन इज नथिंग बट योर पराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में जो ये गैप होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी विच हैज अ नेगेटिव प्रेशर, तो वो पूरे लंग्स को कोलैप्स होने से रोकती है। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। रश्मि ने सही जवाब दिया, हिमांशी, जयश्री, रिया, जस्मिन, राजेंद्र, यशस्वी, गरिमा, सुगंधा, कृपा शंकर ने भी सही जवाब दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक ने भी सही जवाब दिया है, महक ने भी सही जवाब दिया है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेट्स सी. यस सुगंधा, यू हैव ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल किसके साथ होती है? लेट्स सी हियर. यूजुअली अगर आप एटमोसफेयर में देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज अराउंड 159 mmHg. ठीक है, अगर आप एल्वियोलाई में देखोगे, एल्वियोलाई में इट इज अराउंड 104 mmHg. ठीक है, फिर आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? इट इज अराउंड 95 mmHg. ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? इट इज अराउंड 40 mmHg. और टिश्यूज में कितना होता है? टिश्यूज में भी होता है आपका 40 mmHg. तो कहाँ कहाँ कॉमन हुआ, इक्वल कहाँ कहाँ पे है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज में. करेक्ट, सो दिस वुड बी द राइट आंसर. एटमोस्फेरिक में तो मैंने आपको बताया 159 है, नॉट 156, सॉरी 159. एल्वियोलाई में 104, सेम नहीं है, 104, 95, 104, 40, 40 एंड 40. ओके, सो फोर्थ वुड बी द राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर हैज गिवन बाय, नहीं रश्मि ने नहीं दिया है सही जवाब, जैस्मिन ने सही जवाब दिया है. सुगंधा आंसर करेक्टली, हिमांशी आंसर करेक्टली, यशस्वी आंसर करेक्टली, उर्मिला ने भी सही जवाब दिया है, जयश्री ने सही जवाब दिया है, महक हैज आंसर करेक्टली, आफ्ताब ने भी सही जवाब दिया है. परफेक्ट, हेलो चरण, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके राइट गाइज, तो यू गाइज हैव आंसर. सुगंधा हैज ऑल्सो आंसर करेक्टली. शुभम का तो मुझे कोई आंसर दिख नहीं रहा है. हाँ शुभम का भी आंसर दिखा, शुभम हैज ऑल्सो आंसर करेक्टली. ओके परफेक्ट, ओके ओके. उर्मिला आई हैव सीन फोर ओनली, नो प्रॉब्लम. सारे सारे चीजें पढ़ने में डिफिकल्ट, इतनी सारी चैट्स पढ़ने में डिफिकल्ट होती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ओके, 20th क्वेश्चन, फटाफट आंसर दे दो. वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन इज अबाउट कितना? तो एक बार यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज लिख देती हूँ. राइट, जो आपकी टीवी होती है, सो टीवी इज इक्वल्स टू नथिंग बट अराउंड 500 ml. ठीक है, 500 ml होता है आपका. करेक्ट, फिर आपकी IRV, यहाँ पे आपकी टीवी है, टाइडल वॉल्यूम. IRV कितना होता है? IRV इज इक्वल्स टू, ये आपकी IRV है, इट इज इक्वल्स टू 2500 to 3000 ml. ठीक है, फिर आपका होता है ERV, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट योर ERV, यहाँ लिख लेते हैं, ERV इज इक्वल्स टू अराउंड 1000 to 1100 ml. और जो बाकी नीचे बचा हुआ है दैट इज योर RV, विच इज अराउंड 1200 to 1300 ml. तो पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन. तो सपोज आपने ये इनहेल किया है, फोर्सफुल इनहेल किया है और नॉर्मली एक्सहेल किया है, तो कितना बच गया? ये पूरा बच गया है ERV प्लस RV. करो जल्दी से, ERV प्लस RV वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? है ना, 1100 प्लस 1300 ml अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा? अराउंड 2300 ml. दैट वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. नो बच्चे, 1200 ml कैसे? आपने फोर्सफुल एक्सहेलेशन थोड़े किया है, ERV इज ड्यू टू फोर्सफुल एक्सहेलेशन ना, आपने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया है. तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद तो ये पूरा बच जाएगा ना, RV एंड ERV. तो आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखा हुआ है, आप इसको बस एडिशन करना है आपको. राइट गाइज, ओके, आई थिंक आंसर करेक्ट दिया है जैस्मिन ने, आरती ने सही जवाब दिया है, अलाउनेस नहीं, शुभम हैज आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, देन और कौन सही आंसर दिया, यशस्वी आंसर्ड करेक्टली, और कौन है यहाँ पे, हाँ जी बस दीज गाइज हैव आंसर्ड करेक्टली, गरिमा हैज आंसर्ड करेक्टली, वेरी नाइस, गरिमा का बहुत पहले आंसर आ गया था. ओके, उर्मिला आपका गलत हो गया है, नो प्रॉब्लम, अभी पता चल गया ना. देखो अगर गलतियां कर रहे हो इट्स ओके, ये आपका कोई फाइनल नीट का एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पे तो हम सीख रहे, तभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग हियर. तो अभी जो चीजें गलत हो रही है उसको ध्यान में रख लो, क्योंकि मैं आपके मिस्टेक को करेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे. ओके, तो वो मिस्टेक दोबारा नहीं बना करनी है आपको, नीट एग्जामिनेशन में जाके आपको दोबारा वो मिस्टेक नहीं रिपीट करना है. ये समझ में आया आपको, 20th का वैल्यू समझ में आया सबको? शुड बी मूव ऑन. ओके परफेक्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन यहाँ पे है. लेट सी हियर, व्हेन अंडर, you learned right Urmila, perfect, good, no problem. When under certain condition the P50 value of hemoglobin rises, P50 value kya tha? P50 value is nothing but 50% of hemoglobin is
सैचुरेटेड, राइट, 50% आपकी हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, उसी को हम लोग P50 वैल्यू बोलते हैं. सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में है, राइट. सो व्हेन अंडर सर्टेन कंडीशन P50 वैल्यू सपोज इंक्रीज हो गया है, द एफिनिटी ऑफ द पिगमेंट ऑफ कंबाइनिंग विद O2 विल इंक्रीज और रिमेन सेम और फॉल और फर्स्ट राइज एंड देन फॉल, व्हाट वुड बी द राइट आंसर. अगर आपकी P50 वैल्यू इंक्रीज कर चुकी है तो वो तब इंक्रीज करेगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी विथ ऑक्सीजन विल फॉल, वो नीचे गिर जाती है, वो डिसोसिएट करती है. सो दिस वुड बी द राइट आंसर, फॉल वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट, क्योंकि वैल्यू राइज हो चुकी है P50 वैल्यू. यूजुअली P50 वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे आपका आपको 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ है एट अराउंड 30 mmHg. तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है, सपोज आपको 35 mmHg लग रहा है टू रीच 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, मतलब क्या है, PCO2 बढ़ चुका है तभी तो ये इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट, याद करो वो ग्राफ. सो यस, थर्ड वुड बी द राइट आंसर. शुभम आंसर्ड करेक्टली, महक आंसर्ड करेक्टली, सुगंधा, आरती, ज्योति, आफ्ताब, अल आलम, नफीसा, देन यशस्वी, वेरी नाइस, जयश्री ने भी सही जवाब दिया है, गरिमा का बच्चे आपका, हाँ गरिमा ने भी सही जवाब दिया है, वेरी नाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं. कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर मेड्यूला is affected by, respiratory center in medulla is affected by. Chemosensitive area होता है आपके, obviously वो किस वजह से आपका effect होता है, what could be the reason, just a second. Okay, the 22nd का what would be the right answer, देखो medulla oblongata में जो BRG है ना, और DRG है, ये तो हमें पता है. उसके अलावा मेड्यूला में कीमोसेंसिटिव रीजन्स भी होते हैं. कीमोसेंसिटिव मतलब दे आर सेंसिटिव टू केमिकल्स, है ना. कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू केमिकल चेंजेस, है ना, केमिकल चेंजेस. तो किस तरह के केमिकल चेंजेस इंक्रीज हुई है, राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 and rising concentration of H+ ions. क्योंकि H+ ion concentration is inversely proportional to pH. जैसे आपकी H+ concentration increase होती है, आपका pH low हो जाता है, मतलब acidic pH हो जाएगा. तो अगर acidic pH है, carbon dioxide का partial pressure increase हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, oxygen dissociate कर रहा है. Right? ये तभी आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि ज्यादा करके ऑक्सीजन लो, तभी तो VRG डीप इनहेलेशन कराती है. डीप इनहेलेशन में आप ज्यादा O2 ले रहे हो, करेक्ट, इसके वजह से. कौन बोलता है आपको कि डीप इनहेल करो, इसके वजह से. जब आप दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा O2 यूटिलाइज कर रही है कि आपके ब्लड में O2 का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि बॉडी आपके टिश्यूज यूटिलाइज कर रहे हैं, और जितने यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा CO2 भी तो अनलोड होगा ना आपके टिश्यूज से ब्लड में, तो CO2 राइज हो रहा है, उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस आ रहे हैं, राइट. उसकी वजह से यू, व्हाट यू डू जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, दैट इज द रीजन, ये करवाती है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. राजेंद्र, देन सुगंधा ने सही जवाब दिया है, जयश्री ने सही जवाब दिया है, सौम्या, देन शुभम, हिमांशी, उर्मिला, आफ्ताब, अनिकेत, देन राजेंद्र, ओके, सौरभ शिंदे, आरती गोरपड़े, देन और कौन है, हाँ उर्मिला का तो मैंने नाम पहले ले लिया था, परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, इसमें से कौन सा मैच आपको करेक्ट लग रहा है. Emphysema is due to reduction of surface area of alveoli and bronchi. Is it correct? Let's see. Pneumonia, occupational disorder hai with asbestos? No, wo to asbestosis hai. Pneumonia is due to nothing but bacterial infection. Silicosis, inflammation of alveoli? Nahi, silicosis wo bhi aapki occupational disorder hai jisme aapki fibrosis ho sakti hai lungs mein. Hai na? Asthma, excessive secretion of bronchial mucus? No, it is due to bronchial constriction. आपकी यूजुअली स्पैजम होता है ब्रोंकाई में एंड ट्रकिया में. सो द राइट आंसर इज दिस, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है. एम्फाइसेमा इज ड्यू टू नथिंग बट डैमेज इन योर एल्वियोलर वॉल एंड ब्रोंकाई, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाती है रेस्पिरेशन के लिए, है ना, मैंने सुबह ही आपको समझाया था.
सो द करेक्ट आंसर, हाँ गरिमा यू हैव ऑल्सो आंसर करेक्टली, ऊपर चला गया था ना बच्चे, मैं देख नहीं पाई इसलिए आपका नाम, ठीक है ओके okay. महिमा बच्चे मेरा नाम है स्वागता, स्वागता मुखर्जी, ठीक है यहाँ नीचे दिख रहा है स्वागता लिखा हुआ है, दैट इज माई नेम, ठीक है ओके जी. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली. महक आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, शुभम ने सही जवाब दिया है, आरती ने सही जवाब दिया है, देन उत्तम ने सही जवाब दिया है, नफीसा आंसर्ड करेक्टली ओके बहुत बढ़िया. यस उर्मिला स्ट्रेप्टोकॉकस और निमोनिया दोनों ही यूजुअली कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा भी कॉज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द लंग्स, इसमें से लंग्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपको दिखती है. लंग्स के अंदर आपको ट्रैकिया दिखता है क्या? नहीं ना, ये आपका ट्रैकिया है, वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है दोनों, ठीक है, और ये आपका ट्रैकिया है. तो अंदर आपके लंग्स के अंदर क्या क्या चीजें यूजुअली आती है, सपोज दिस इज योर लंग हियर, ठीक है, ये लंग्स है आपका, ये लेफ्ट लंग एंड राइट लंग दोनों आपको दिख रहा है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई है ना, कुछ सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है एंड एल्वियोलाई है. सो दिस वुड बी द राइट आंसर. सिर्फ ओनली एल्वियोलाई नहीं है, यू हैव एवरीथिंग हियर, ब्रोंकाई है, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाई है. सो बी वुड बी द राइट आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. चौहान ने सही जवाब दिया है ओके, देन यू हैव गरीबा ने सही जवाब दिया है, वेरी नाइस. एंड बहुत लोगों ने ये गलत किया, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. यशस्वी ने सही जवाब दिया है, श्रियान ने सही जवाब दिया है, हिमांशी, सौम्या हैज आंसर्ड करेक्टली, हाँ जी 24, स्वरूप ने आंसर सही आंसर दिया है, स्वरूप बहुत लेट ज्वाइन किया, ठीक है, शुभम आंसर करेक्टली, सुगंधा आंसर करेक्टली, गरिमा हैज ऑल्सो आंसर करेक्टली, उत्तम, नफीसा. चलो 25th पे हम मूव करते हैं. फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू, फ्रॉग्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, देखो जब वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग है ना, वो तब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, ठीक है, क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, स्किन, ठीक है. जब वो लैंड में है तब वो या तो लंग्स के वाया पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करता है, लंग्स मतलब ऑब्वियसली पल्मोनरी शो करेगा है ना, या फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी आपने देखा ना, इन्फ्लेट डिफ्लेट होती है, उसके थ्रू भी वो कर सकता है जब वो लैंड में है या पार्शियली सबमर्ज्ड है ना. ऐसे कभी कभी आपने देखा है कि जो फ्रॉग होता है वो ना फ्लोट कर रहा होता है वाटर के ऊपर, तब भी वो ये वाला रेस्पिरेशन शो करता है, और वाटर के अंदर वो कंप्लीटली क्यूटेनियस शो करता है. सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द आंसर, वेरी इजी है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर करेक्टली. उत्तम आंसर करेक्टली, शुभम ने सही जवाब दिया है, जयश्री आंसर करेक्टली, श्रियान ने सही जवाब दिया है, एंड लेट्स सी हु एल्स, हाँ जी ऋतिक, उसको बकल कैविटी बोलते हैं, जयश्री ने भी सही जवाब दिया है, स्वरूप आंसर करेक्टली, आफ्ताब ने सही जवाब दिया है, यशस्वी, चौहान, सौम्या, परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन, कंसीडर द कैरेक्टर्स ऑफ अ रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इन ह्यूमन, है ना, आपको ये कैरेक्टर्स कंसिडर करना है जो आपकी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम है आपके नर्वस यू नो ब्रेन में. इट इज लोकेटेड इन पॉन्स, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, आपकी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है DRG PRG उसके फंक्शन को मॉडरेट करती है ये, ठीक है. इट्स एब्सेंस रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, अभी हमने पढ़ा था क्या होना चाहिए. स्विच ऑफ पॉइंट हम किसको बोलते हैं, स्विच ऑफ पॉइंट का फंक्शन क्या होता है, स्विच ऑफ पॉइंट विल नथिंग बट इट विल लिमिट द इनहेलेशन, ठीक है, इट विल लिमिट्स द इनहेलेशन. तो अगर ये बंद हो गई या ये स्विच ऑफ पॉइंट गायब हो गया या खराब हो गया तो इनहेलेशन को रोकने के लिए कोई है ही नहीं, देयर विल बी डीप इनहेलेशन, आप इनहेल करते रहोगे और आपकी लंग्स इन्फ्लेट करते करते बर्स्ट हो जाएगी, राइट. सो दैट वुड बी नथिंग बट न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सो ए वुड बी द राइट आंसर. फर्स्ट ऑप्शन सही है, जयश्री ने सही जवाब दिया है, आफ्ताब ने सही जवाब दिया है, गरिमा राणा आंसर करेक्टली, उर्मिला, श्रियान, सौरभ शिंदे, राजेंद्र, आरती, देन ओके नफीसा, जयश्री, परफेक्ट, सौम्या ने भी सही जवाब दिया, चौहान ने भी. मूविंग ऑन टू द 27th क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट्स एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाई सिंपल डिफ्यूजन. देखो सिंपल डिफ्यूजन वही करेगा जो उनकी बॉडी सरफेस से हो रही है, जब भी बॉडी सरफेस से होगी डिफ्यूजन वो सिंपल डिफ्यूजन है ना, उसमें कोई ऑर्गन नहीं है, ना ही गिल्स है, ना ही उनके पास यू नो
स्किन में डिफ्यूजन हो रहा है, या फिर स्किन में भी आपका सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, या फिर और क्या, लंग्स है, ओके, बकल कैविटी एंड सो ऑन. तो कितने हैं इसमें एनिमल्स जो यू नो सिंपल डिफ्यूजन शो करते हैं. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? स्पॉन्जेस करती है, सिलेंट्रेट्स करती है डायरेक्टली बॉडी सरफेस से, फ्लैट वॉर्म्स भी करती है. फ्लैट वॉर्म्स मतलब कौन होते हैं आपके? प्लैटी हेलमिंथिस. बट एनिलिडा में आप क्या देखते हो? एनिलिडा में आपको गिल्स भी दिख जाता है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दिखता है. जैसे अर्थ वॉर्म में आपको क्यूटेनियस दिखता है ना. और गिल्स किस में प्रेजेंट होती है? किस में होता है? नीलीज में होता है, एनिलिडा में. तो वहां पे आपको सिंपल डिफ्यूजन नहीं दिखेगा. सो थ्री वुड बी द राइट आंसर. कौन कौन? स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वॉर्म्स. ठीक है, बाकी सबके पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गेन होता है. ठीक है जी, राइट आंसर दिया है, लेट्स सी हियर. सुगंधा, मैंने देखा होगा आपका आंसर लेकिन ऊपर चला गया ना तो नाम नहीं पढ़ पाती हूँ. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. डी इज द राइट आंसर. सौम्या ने सही जवाब दिया है, स्वरूप ने सही जवाब दिया है, शुभम ने सही जवाब दिया है, जयश्री, हिमांशी, आफ्ताब, चौहान, नहीं चौहान का गलत हो गया है, ओके, एंड देन हु एल्स, श्रियान आंसर्ड करेक्टली, ओके परफेक्ट, जयश्री ने भी, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया. आई एम सो सॉरी अगर मैं आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ तो, क्योंकि दिखता नहीं है, ऊपर चला जाता है. ठीक है, चलो ये वाला देखें, 28 का क्वेश्चन देखें. क्लोराइड शिफ्ट अकर्स व्हेन? क्लोराइड शिफ्ट कब होती है बच्चों? ये सपोज आपका आरबीसी है, ठीक है, दिस इज योर आरबीसी हियर. ठीक है, आरबीसी के अंदर, दिस इज आरबीसी हियर, आरबीसी के अंदर ऑलरेडी 97% HbO2 प्रेजेंट है ना. 97% HbO2 कैरी हो रहा है. HB कहाँ पे प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर. अब यहाँ पे CO2 एंटर कर रहा है, HB तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सिर्फ 3% ही बचे हुए हैं, थोड़े बहुत आपके बचे हुए हैं HB. तो CO2 मैक्सिमम 70% CO2 क्या करता है, आपके अंदर जाके वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके ये क्या देता है? इट विल गिव यू नथिंग बट कार्बोनिक एसिड. और ये कार्बोनिक एसिड फिर इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H+ आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयंस क्योंकि इतने बार बन रही है आपके आरबीसी में कंटिन्यूअसली, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आरबीसी में, और बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इसकी मूवमेंट होगी. लेकिन द आरबीसी इज लूजिंग अ नेगेटिव आयन. ये एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट में फर्क पड़ रहा है, राइट, इट इज लूजिंग अ नेगेटिव आयन. तो ये क्या करेगी, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इसकी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट मेंटेन करना है. नेगेटिविटी लूज हो रही है ना आरबीसी की, क्योंकि नेगेटिव आयन बाहर जा रहा है, तो एक और दूसरे एनायन को ये अंदर डाल देती है, दैट इज ये नथिंग बट Cl-. तो नेगेटिविटी मेंटेन हो गई, कॉन्सेंट्रेशन अलग है बट नेगेटिव आयन तो ठीक हो गए ना. तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स इफेक्ट. तो वो कब होता है, वॉट वुड बी द रीजन? So when blood gives up oxygen and receives CO2 from the tissue, right? ये जो HbO2 था 97%, इसने tissues को O2 दिया, तभी तो CO2 टिश्यू ने क्या किया, यहाँ पे टिश्यू था, टिश्यू ने CO2 को रिलीज किया, CO2 यहाँ पे अंदर गया. ठीक है जी, सो वॉट वुड बी द राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर. ऑलरेडी आंसर मुझे मिल गया है यहाँ पे. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. सुगंधा आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, स्वरूप आचार्य ने भी सही जवाब दिया है, सौरभ शिंदे ने सही जवाब दिया, यस श्रियान, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज ए, है ना, जयश्री आंसर करेक्टली, उर्मिला गरिमा राणा ने भी सही जवाब दिया है, स्वरूप ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है सब लोगों ने. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर वी गो, 29 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड रिजल्ट इन ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ O2 सैचुरेशन फॉर हीमोग्लोबिन अज्यूमिंग PO2 रिमेन्स कॉन्स्टेंट? आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट अ सेकेंड. Let's see here. चलो, which of the following situation would result in a greatest degree of O2 saturation for hemoglobin? मतलब HbO2 आपका ज्यादा हो जाएगा. Assuming that PO2 partial pressure of O2 remains constant. कौन कौन से factors है जो आपके HbO2 association में help करेगा? Obviously PO2 इंक्रीज होना चाहिए, बट इसने बोला ये कांस्टेंट है, तो और क्या फैक्टर्स होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होना चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए? पीएच ज्यादा होना चाहिए, मतलब अल्कलाइनिटी. ठीक है, अल्कलाइनिटी अगर ज्यादा होगा तो एसिडिटी कम होगा,
टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए. तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? डिक्रीज्ड सीओ टू लेवल एंड डिक्रीज्ड एसिडिटी. एल्कलिनिटी बढ़ गई है मतलब एसिडिटी घट गई है. सो दिस वुड बी द राइट आंसर. 3-1. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. एंड उर्मिला, आई हैव 60 क्वेश्चन टुडे. ऊपर दिख रहा है यहाँ पे 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. मैराथन सेशन है. नफीसा आंसर्ड नहीं सॉरी स्वरूप आंसर्ड करेक्टली. हिमांशी आंसर्ड करेक्टली. सुगंधा आंसर्ड करेक्टली. जयश्री ने सही जवाब दिया. शुभम ने सही जवाब दिया. आफ्ताब ने सही जवाब दिया. ने और उर्मिला. ओके देन प्रीति मौर्या ने सही जवाब दिया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे. ओके 30th क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके. द वॉल्यूम ऑफ एनाटॉमिकल डेड स्पेस ऑफ एयर इज. एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है? आर यू अवेयर ऑफ दैट? इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ amount of inhaled air. I'll explain you what is that. Let me write the definition. The amount of inhaled air that never reaches the alveolar surface. ठीक है, आपके alveoli में कभी पहुंचता ही नहीं है कुछ amount of air जो आप inhale कर रहे हो. क्यों? बताती हूँ. The alveolar surface. So never diffuses through the alveoli. ठीक है, देखो आपने आप जो TV's tidal volume कितना होता है आपका? वो 500 ml होता है, right? ये आपकी normal inhalation exhalation है. तो आपने 500 inhale किया है, 500 आप exhale out करते हो. तो जब आपने ये 500 ml inhale किया है, कुछ amount of air वो कहाँ पे आके block हो जाता है? आपके you know nose में इस तरह से concave present होते हैं, वहाँ पे block हो गया है, कुछ stuck हो चुका है. आपके trachea में कुछ stuck हो चुका है. कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके यूस्टेशियन ट्यूब में चले गए हैं, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है ना आपके बकल फैरिंग से, राइट? तो कितना होता है? इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 150 ml इज लॉस्ट. तो 500 में से अगर आप माइनस करोगे तो कितना होगा? 350 ml ही सिर्फ आपके एल्वियोलाई तक जाती है. ठीक है, और ये 150 ml वहीं पे स्टक है. फिर ये 350 ml आपकी डिफ्यूज हुई, फिर आपने 350 ml CO2 ही बाहर एक्सहेल कर लो. तो फिर हम 500 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जब वापस जाती है 350 ml, ये 150 ml जो रुकी हुई थी ना, जगह जगह स्टक थी ट्राकिया में, नेजल चेंबर में, उसको लेते हुए बाहर जाती है. तो 500 ही बाहर आता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर एनाटॉमिकल डेड स्पेस. 150 ml वुड बी द आंसर. एक मिनट, ये थोड़ा सा दिस वुड बी द आंसर यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ. 150 ml is your nothing but anatomical dead space. और अगर किसी को कोई physiological problem है, जैसे suppose किसी को emphysema है, तो 150 तो कभी पहुँच रही नहीं थी, बाकी उनकी alveoli damage हो गई, तो और भी बहुत सारे air alveoli में stuck हो गए, तभी तो उनको shortness होती है breathing में. ठीक है, right answer is D. शुभम ने सही जवाब दिया है. यूरोपा ने सही जवाब दिया है. सौम्या, जयश्री, जो हिमांशी, शुभम, महिमा ने सही जवाब दिया है. उर्मिला हैज आंसर्ड करेक्टली. एंड और कौन है यहाँ पे? नफीसा, शशांक आंसर्ड करेक्टली. देन हु एल्स? आई कांट सी. गरिमा हैज आंसर्ड करेक्टली. परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 31st क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं. व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमन? इसमें से कौन सा करेक्ट है आरबीसीज के लिए? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए. दे कैरी 20-25% ऑफ CO2 आपकी RBCs कैरी कर रही है. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? 20-25% ऑफ CO2 है ना. HbCO2 जो होता है वो कितना होता है? इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 23% अप्रॉक्सीमेटली. तो इसके बीच में ही करेक्ट है. सो दिस इज राइट. दे ट्रांसपोर्ट 99.95% ऑफ O2? बिल्कुल नहीं, ओनली 97% वो कैरी करता है, राइट? In the form of obviously HbO2. They transport about 80% of oxygen only. नहीं, वो तो गलत हो गया. 97% मैंने आपको बोला था. They do not carry CO2 at all. ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर आपकी RBC CO2 को कैरी नहीं करी तो बाहर कैसे जाएगी CO2? Concentration अंदर बढ़ता रहेगा. So A is the right answer. Let's see how many of you have answered correctly. I think Himanshi has answered correctly. Shubham answered correctly. Mumtaz ने सही जवाब दिया है. And your Let me just block this guy. 1 minute. Okay. सौम्या ने सही जवाब दिया है. एंड यूरोपा ने सही जवाब दिया है. नितिन ने भी सही जवाब दिया है. गरिमा राणा आंसर करेक्टली. प्रीति मौर्य ने भी सही जवाब दिया है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों, इन द टिश्यूज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
क्या करता है, टिश्यूज में जो आपकी PCO2 इंक्रीज हुआ है टिश्यूज में, वो करता क्या है, व्हाट वुड हैपन, इट इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इज इट करेक्ट, नहीं वो डिक्रीज करेगा, राइट, इट इज गोइंग टू डिक्रीज, इट इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, नो ये भी गलत हो गया, डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, यस POCO2 बढ़ता है तो HP डिसोसिएट होता है O2 से, सो दिस वुड बी द राइट, बट इंक्रीज एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, राइट, तो आपकी HB क्या होती है, वो H+ से ऐड हो जाती है, ये इंक्रीज हो जाती है, और जितनी H+ आयंस बढ़ेगी उतनी pH क्या होती रहेगी, घटती रहेगी, लो pH, एसिडिक pH होगा, करेक्ट आंसर इज सी, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, आई थिंक शशांक आंसर्ड करेक्टली, उर्मिला आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी, प्रीति, गरिमा, राणा आंसर्ड करेक्टली, शुभम ने सही जवाब दिया है, यूरोपा ने सही जवाब दिया है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन पे हमें आप मूव कर चुके हैं, यस नफीसा हैज आल्सो आंसर्ड करेक्टली, परफेक्ट परफेक्ट, शुभम एंड यूरोपा, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू, द O2, ये O2 करेगा क्या, अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन आपके बॉडी में अनयूज्ड ही रह जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये सपोज आपकी बॉडी टिश्यूज है, राइट, सो दिस इज सपोज योर बॉडी टिश्यूज है ना, एक बार फिर से ये चीज मैं बता देती हूँ, ओके, तो यहां से जो आपका O2 आ रहा है, देयर इज 20 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो इसने कितना O2 यूटिलाइज किया है, सिर्फ 5 ml यूटिलाइज करता है और बाकी बचा हुआ जो 15 ml है वो वापस यहाँ से जाता है, ठीक है, बाकी आपकी जो डीऑक्सीडेट ब्लड है वो 15 ml कैरी करते हुए लेके जाती है, तो बाकी जो 15 ml बचा है वो होता क्या है, वो कब यूज होता है, वो उसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्क्यूलर एक्सरसाइज, तो ये आपकी नॉर्मल कंडीशन में है ना, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन पे है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये 20 ml है ना, 20 ml ऑफ O2 जो है यहाँ से ये 15 ml लेगा और सिर्फ 5 ml ही आपके डीऑक्सीडेट ब्लड, तो ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सो दिस इज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज, ओके, सो राइट आंसर वुड बी डी, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, शुभम आंसर, नहीं शुभम का गलत हो गया, उर्मिला ने सही जवाब दिया है, गरिमा राणा ने सही जवाब दिया है, जयश्री आंसर्ड करेक्टली, प्रीति ने सही जवाब दिया है, देन हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, शशांक आंसर्ड करेक्टली, अनामिका, हेलो अनामिका, नाइस टू सी यू हियर, ओके, चेरी ने भी सही जवाब दिया है, एंड यूरोपा ने, ओके, मूविंग ऑन, नफीसा आंसर्ड करेक्टली एज वेल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो गीतेंद्र, 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एपिग्लॉटिस, इसमें से कौन सा एपिग्लॉटिस के लिए ट्रू है, इट इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, यस आपकी जो एपिग्लॉटिस है लैरिंग्स का पार्ट है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है, प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द लैरिंग्स, यस ये आपका ग्लॉटिस, दिस इज सपोज योर, दिस इज ट्रैकिया है ना, ये आपका सपोज ट्रैकिया है, उसकी जो ओपनिंग आपको दिखती है, दिस ओपनिंग हियर इज कॉल्ड एज नथिंग बट ग्लॉटिस, ओके, ग्लॉटिस के ही ऊपर इस तरह से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है का जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर एपिग्लॉटिस, दिस इज योर एपिग्लॉटिस, तो ये प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को, इस तरह से क्लोज हो जाता है जब आप स्वेलो कर रहे हो, डीग्लूटिशन, वो भी करेक्ट है, कफिंग अकर्स ड्यू टू इट्स इम्प्रॉपर मूवमेंट, बिल्कुल सही, जब आप प्रॉपरली ये मूव नहीं की, क्लोज नहीं हुई, तो आपका फूड विंड पाइप में जा सकता है, ट्रैकिया में जा सकता है ना, और देखो ये जो एपिग्लॉटिस है इसका क्लोज जब होता है तो मतलब आप ब्रीथ नहीं कर रहे हो, जब आप स्वेलो कर रहे हो तब आप ब्रीथ नहीं करते हो, यू कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर, अगर आप करने की कोशिश करोगे आपको कफ होगा है ना, कफ इन द सेंस आपको वो ठसका आता है और आप चोक कर सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज डीग्लूटिशन एपनिया, उसको हम लोग बोलते हैं डीग्लूटिशन एपनिया, दैट इज नथिंग बट वाइल स्वेलोइंग यू डू नॉट ब्रीथ, तो यहाँ पे स्वेलोइंग के वक्त देर इज नो ब्रीदिंग, एपनिया का मतलब होता है एबसेंस ऑफ ब्रीदिंग या No breathing. Okay, so all of these are correct. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? The right answer would be nothing but D. All of these are correct. Okay, Shashank has answered correctly. ठीक है. Then Jayashree answered correctly. Himanshi answered correctly. Aminur ने सही जवाब दिया है. Very nice guys. Very nice. Okay. Then Praful Ranjan answered correctly. Himanshi answered correctly. Garima Rana, Swaroop Acharya, Cherry High, Yurupa. जयश्री, नफीसा, शुभम, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड एब्सोल्यूटली राइट, ओके परफेक्ट, ओके गीतेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ओके हाँ जी,
नो प्रॉब्लम नफीसा, इट्स ओके, यही पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इट्स ओके. 35 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, लेट्स सी वॉट वुड बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स. आप सबको पता है कि जो ट्रैकिया होती है, सपोज दिस इज योर ट्रैकिया हियर, ओके सॉरी यहाँ पे बनाती हूँ, सपोज ये आपका ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया है एंड ट्रैकिया आपकी डिवाइड कर रही है इनटू ब्रोंकाई, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई में वो डिवाइड कर रही है ट्रैकिया. तो ये जो आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है या ट्रैकिया है, दीज आर ऑल सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस फ्लैप. इस तरह से एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस फ्लैप उसमें प्रेजेंट होता है जी, ठीक है. तो ये आपको ट्रैकिया में भी मिलेगी, ब्रोंकाई में भी मिलेगी, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में भी मिलेगी, सिर्फ आपको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में नहीं मिलेगी, है ना, और आपके एल्वियोलाई में भी वो नहीं मिलती है. सो दे आर प्रेजेंट इन प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, बट नॉट इन एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में कोई भी आपकी कार्टिलेजिस रिंग स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है. सो दिस वुड बी द आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. आंसर सही दिया है अमीनूर ने, शशांक ने, हिमांशी ने, देन योर नफीसा ने, यूरोपा ने, शशा ओके, और रोहित ने भी सही जवाब दिया है, एंड हिमांशी, यूरोपा ने भी सही जवाब दिया है. वेरी नाइस गाइज, ओके. हाँ जी, ओके अनामिका, आई डिडंट सी योर क्वेश्चन बेटा, ऊपर चला गया होगा, ठीक है. हाँ जी, थैंक यू स्वरूप, थैंक यू सो मच, ओके. शुभम ने फर्स्ट रिप्लाई किया था, वेरी नाइस बच्चे, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर जमान ने भी सही जवाब दिया है. 36 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं. द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस, जो ह्यूमन फीटस की हीमोग्लोबिन, इट हैज लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन दैट ऑफ द एडल्ट, इज इट करेक्ट. अगर आप हीमोग्लोबिन लोगे, फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट होमोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है. मैं आपको उसका डिफरेंस बता देती हूँ. फीटल हीमोग्लोबिन में देर आर टू अल्फा सब यूनिट्स एंड टू गामा सब यूनिट्स होते हैं, करेक्ट, हीमोग्लोबिन के, यही डिफरेंस है. और एडल्ट में क्या होता है, टू अल्फा होता है और टू बीटा सब यूनिट्स होती है, राइट. तो यूजुअली जो 2-3 बीपीजी मैंने आपको अभी बताया था, 2-3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, वो सिर्फ बीटा सब यूनिट से ही बाइंड कर सकती है, गामा से नहीं, राइट. एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस, फीटल हीमोग्लोबिन का ज्यादा एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड होने के, ऑक्सीजन से बाइंड होने के लिए. सो दैट इज व्हाई वी से फीटल ब्लड इज 100% ऑक्सीजनेटेड होता है. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट योर डी, इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन दैट of an adult. So D would be a right answer. ठीक है, okay? नहीं दो नहीं, चार ही होते, वो चार होते हैं आपके, दो अल्फा दो गामा. Let's see how many of you have answered correctly. अमीनूर ने सही जवाब दिया है, शरी हाई ने सही जवाब दिया, प्रफुल, रंजन, यूरोपा, then your who else? हाँ रोहित, हिमांशी ने भी सही जवाब दिया है, शशांक, then your गरिमा, ओके जी, परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है. 37th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट कब होता है, जब बोर्स इफेक्ट होता है तभी आपकी राइट शिफ्ट होती है, बिकॉज वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं पॉसिबल, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली कम होगा, पीएच जो है वो कम होगा, मतलब एसिडिक पीएच, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू बोर्स इफेक्ट व्हाट वुड हैपन, क्या होता है यूजुअली, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एसिडिटी, इज इट करेक्ट, बिल्कुल सही. अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी, है ना, अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो एच बी से ओ टू का बाइंड कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, अगर एसिडिटी कम हुई तो एच बी ओ टू जल्दी जल्दी बाइंड हो जाएगा, सही. तो ये करेक्ट है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इनवर्सली रिलेटेड टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सही है. अगर PCO2 ज्यादा हुआ तो आपकी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी सही है. सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी एफिनिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू एसिडिटी, बिल्कुल नहीं, इनवर्सली है. देखो यहाँ पे हायर एंड लोअर है. सो द राइट आंसर वुड बी नथिंग बट बी, ओके. करेक्ट आंसर दिया है जो हिमांशी ने, देन मोहम्मद ने सही जवाब दिया है, एंड रोहित ने सही जवाब दिया है, अनामिका ने सही जवाब दिया है, लेट्स सी हु एल्स, प्रफुल, रंजन, रोहित शर्मा ने भी सही जवाब दिया है, नफीसा ने भी सही जवाब दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों. लेट मी जस्ट
block these unwanted learners, तो जिनको पढ़ना ही नहीं है, they just want to disturb others, ठीक है? चलो, moving on to the next one here, let's see. Difficulty in breathing due to inflammation of bronchi and bronchioles leads to what? Bronchi and bronchioles में आपका usually spasm होता है, inflammation होता है, तो आपकी air passage क्या होगी? Air passage is constricted, है ना? Air passage आपकी constrict हो जाती है. So that is nothing but due to asthma. है ना? और एस्मा में जो इनहेलर देते हैं, राइट, उसको ट्रीट करने के लिए, डू यू नो व्हाट दैट इनहेलर कंटेन? इट कंटेन्स एड्रेनलिन. एड्रेनलिन क्या है, डू यू नो? एड्रेनलिन इज नथिंग बट अ वैसोडाइलेटर. ये वैसोडाइलेटर है और आपकी ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी डायलेट करता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डायलेटर, तो जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी उसको डायलेट कर देगा, तो बंदा अच्छे से सांस ले सकता है फिर, है ना? सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए. बिल्कुल सही जवाब दिया है गरिमा ने, शरी हाई ने, हिमांशी ने सही जवाब दिया है, एंड देन मोहम्मद ने सही जवाब दिया है, नफीसा हैज आंसर्ड करेक्टली, एंड हु एल्स? शशांक आंसर्ड करेक्टली, नूर जमान ने भी सही जवाब दिया है, परफेक्ट, रोहित शर्मा एज वेल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी हियर. यस शुभम, यू हैव ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली. सौम्या ने भी सही जवाब दिया है. 39th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. Carbon dioxide diffuses into blood from tissue side and passes to alveolar side in the form of what? What would be the correct one? देखो, ये आपकी alveoli है. Let me tell you this thing here. And this is your tissue. Okay, यहाँ पे आपकी tissues है. और ये alveoli है. तो alveoli से क्या होता है बच्चों? Alveoli से आपका O2 आता है in two different form. एक तो 97% आपकी HBO2 form में होती है और 3% आपके प्लाज्मा में डिजोल्व होती है. दिस इज अबाउट O2, ठीक है? तो O2 इस तरह से आया और टिश्यूज में गया. टिश्यूज से फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी इन थ्री डिफरेंट फॉर्म. कौन कौन से फॉर्म में? आपकी 23% HbCO2, ठीक है? देन 7% प्लाज्मा, ओके, एंड योर 70% बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म. तो ये आपके एल्वियोलाई में फिर वापस जाएगी. एल्वियोलाई से फिर बाहर हम इसको एक्सहेल आउट कर देंगे. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? बाइकार्बोनेट 70%, वही मैंने बताया आपको. सो दिस वुड बी द राइट आंसर. बाइकार्बोनेट 20-25% नहीं है. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी गलत है. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का ये परसेंटेज भी गलत है. सारे परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिख दिए. सो ए वुड बी द राइट आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. आई थिंक प्रफुल आंसर्ड करेक्टली, नफीसा आंसर्ड करेक्टली, नूर जहां ने सही जवाब दिया है, रोहित शर्मा यू हैव जॉइन लेट, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, अभी तो टाइम है, हमारे पास 60 क्वेश्चंस है ना. यूरोपा आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी, हेलो सुदर्शन, नाइस टू सी यू हियर, एंड आई एम गुड इंदु, आई होप यू आर डूइंग वेल टू. ओके, और कौन है यहाँ पे? किसने सही जवाब दिया? ऊपर चला हो गया शायद नाम. जयश्री ने भी सही जवाब दिया है, गरिमा ने सही जवाब दिया है, शुभम ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद ने भी सही जवाब दिया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे और उसका भी मुझे आंसर मिल चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लंग्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ये भी करेक्ट है. मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. बिल्कुल सही. ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो गया. ईजी, ठीक है? जयश्री ने सही जवाब दिया है. अन्य देन मोहम्मद अहमद ने सही जवाब दिया है, एंड देन हु एल्स? गरिमा राणा ने भी सही जवाब दिया है. जयश्री हैज आल्सो आंसर्ड करेक्टली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स, मतलब ट्रॉपिकल प्लेन एरिया से, वो लोग रोहतांग पास में चले गए. रोहतांग पास इज नथिंग बट ऑब्वियसली हायर ऑल्टीट्यूड है यहाँ पे, राइट? सो देर इज अ हायर ऑल्टीट्यूड हियर. ओके, अबाउट 6 months बैक will have what? Have more RBCs and their hemoglobin has a lower binding affinity to O2. What would be the right answer? क्या ये सही है? बिल्कुल सही. Higher altitude में क्या होता है? Partial pressure of oxygen थोड़ा low हो जाता है. तो usually आपने देखा होगा कि जो आपके higher altitudes में रहते हैं, hilly areas में रहते हैं, उनकी थोड़ी सी cheeks red होती है, reddish tinge होती है उनकी body में, है ना? Fingers में भी, fingertips में भी. So that is nothing but due to more amount of हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन को बढ़ाना पड़ता है, और अगर आपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाया मतलब आपको आरबीसी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होती है, राइट? सो मोर आरबीसी, मोर हीमोग्लोबिन, मोर पिगमेंटेशन, और जितनी ज्यादा HB उतनी ज्यादा O2 को बाइंड करके लेके जाएगी, ठीक है? सो दैट इज द रीजन. सो ए वुड बी द राइट आंसर. इसमें सही जवाब हो जाएगा बच्चों ए, करेक्ट?
सही आंसर दिया है। हाँ रोहित ने पूछा है व्हाट अबाउट सी सफर फ्रॉम, उसने 6 मंथ बोला है ना, तो 6 मंथ तक ऑल्टीट्यूड सिकनेस यूजुअली पहले होता है, जैसे ही आप गए हो 2-3 दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद यू गेट यूज टू इट। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में उस टाइम पे हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि यू आर यू नो आप सपोज महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र से आप अचानक से शिमला चले गए, तो आपको पहले 2 दिन ये प्रॉब्लम हो कि महाराष्ट्र में रहने के वजह से प्लेन एरिया में रह रहे हो, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है, वो काफी है और आपके प्लेन लेवल की O2 पार्शियल प्रेशर के साथ। बट जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड में गए हीमोग्लोबिन तो वही सेम लेवल का था, बट वहां ऊपर जाके O2 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, तो आपको ऑब्वियसली डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग वगैरह में, करेक्ट, क्योंकि उतना ज्यादा O2 आ नहीं रहा है, तो नोशिया, फटीक, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ये सारी चीजें होती है। फिर धीरे धीरे ये 6 मंथ इस चीज पे ध्यान दो, इस चीज पे ध्यान दो, इसने बोला कि 6 मंथ के बाद क्या होगा, धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट, आपकी बॉडी RBC ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगी, ज्यादा एरिथ्रोपोइसिस होगी, ज्यादा HBP होगी, तो यू आर यूज्ड टू इट नाउ। ओके, सो आई होप यू हैव आंसर्ड करेक्टली। हाँ जी, ज्योति आंसर्ड करेक्टली, देन नफीस आंसर्ड करेक्टली, रोहित शर्मा कोई बात नहीं, आपने अभी देख लिया ना, परफेक्ट, प्रफुल आंसर्ड करेक्टली, यूरोपा, हिमांशी सॉरी, देन गरिमा, देन नफीसा, परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, 42nd क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं बच्चों, हमारे पास अभी भी क्वेश्चन बचे हुए हैं बहुत सारे। इन वॉटर फ्रॉग रेस्पायर थ्रू, कम ऑन, ये आंसर तो मुझे सही चाहिए, मैंने थोड़ी देर पहले लिख के दिया था सारा, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू कि फ्रॉग रेस्पिरेशन क्या किस किस से करता है, टोल्ड यू वो करता है स्किन से भी, लंग से भी, बकल कैविटी से भी, लेकिन कौन कौन से टाइम पे करता है, जैसे मैंने बोला बकल कैविटी और लंग से वो तब करेगा जब वो लैंड में है, और आपकी स्किन से वो तब करेगा जब वो वॉटर के अंदर प्रेजेंट है, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले क्वेश्चन से मैचिंग है, बट ये ध्यान देना इसमें वॉटर में, ठीक है। Let's see how many of you have answered correctly. Jayashree answered correctly. Very nice, Jayashree. Praful ने सही जवाब दिया है. Shashank ने सही जवाब दिया है. Shashikant, Nafisa, Yurupa, Garima. Perfect. Noor, Zaman, Himanshi. Moving on to the next question. Next question पे move करते हैं. 43rd question. Okay. हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है सब लोगों ने. Next question. Okay. Sorry. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lung as 70% कौन कैरी कर रहा है, हमने ये अभी पढ़ा था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ bicarbonate ions, राइट, सो द राइट आंसर वुड बी ए, इन द फॉर्म ऑफ bicarbonate ions, आपकी 70% अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो रही है ब्लड से alveoli में। याद करो वो जो फ्लो चार्ट मैंने बना के दिया था आपको, ठीक है जी, करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पे यूरोपा ने, रोहित ने, नफीसा ने सही जवाब दिया है, शशिकांत ने सही जवाब दिया है, नूर जमान ने सही जवाब दिया है, शशांक ने सही जवाब दिया है, गरिमा राणा, चंदू पाटिल ने भी सही जवाब दिया है, जयश्री ने भी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमांशी अस्पल, ओके, When a man inhales air containing normal concentration of O2 as well as CO, that is carbon monoxide, he suffers from suffocation because what would be the right answer? Kya hota hai? Hemoglobin combines with CO, carbon monoxide, instead of O2 to form carboxyhemoglobin. तो यहाँ पे HbCO बनता है because CO की affinity ज्यादा होती है hemoglobin से। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जब आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नथिंग बट योर हीम विच इज नथिंग बट Fe जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, एंड देयर इज अ प्रोटीन पार्ट विच इज कॉल्ड एज ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन पार्ट है, राइट, तो प्रोटीन पार्ट में 4 सब यूनिट्स होते हैं, ये एक अल्फा सब यूनिट है, ऊपर एक और अल्फा सब यूनिट होता है, देयर इज अनदर 2 more sub-unit, बीटा सब यूनिट यहाँ पे और एक बीटा सब यूनिट यहाँ पे, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, Fe, ये है हीम, ठीक है, दिस इज द हीम ग्रुप, राइट। अब ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड होता है, ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन फॉर्म करता है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो आपके Fe से ही बाइंड होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपकी इसी से बाइंड होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है आपके ग्लोबिन पार्ट से, है ना, तभी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वो आपके हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से अटैच कर रहा है, अमाइनो ग्रुप से, प्रोटीन है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जब बाइंड करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं,
है ना, सॉरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है, नॉट कार्बोक्सी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जस्ट अ सेकेंड, वी विल कॉल इट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है. सो दिस वुड बी द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट वन. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर करेक्टली. हिमांशी, रोहित, यूरोपा, आरती, शुभम, शशांक, शशिकांत, नूर जमान हैज आंसर करेक्टली. देन यस जयश्री, आई एम ट्राइंग, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैं करूंगी क्योंकि ये क्विज या कोई फास्ट रैपिड सेशन नहीं है. गरिमा राणा ऑल्सो आंसर करेक्टली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके शुभम, हाँ जी शुभम आए, ऊपर चला जाता है यार, दिखता नहीं है, ठीक है. चलो 45th क्वेश्चन, जल्दी 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 करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन, इसमें से कौन सा सही है रेस्पिरेशन के लिए. इट इज फॉर एनर्जी लिबरेशन. यस बिल्कुल करता है एनर्जी लिबरेशन, एटीपी बनाता है, में हेल्प होता है रेस्पिरेशन का. इट कैन अकर बोथ O2 प्रेजेंस एंड इट्स एब्सेंस. हाँ बिल्कुल, O2 के प्रेजेंस में भी आपके सेल्स करते हैं और एब्सेंस में कौन करता है, आरबीसी. ये देखो नीचे लिखा हुआ है आरबीसी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि आरबीसी में तो न्यूक्लियस भी नहीं होता, कोई ऑर्गेनल्स भी नहीं होता है, तो वो यूजुअली आपकी एब्सेंस ऑफ O2 में भी कर सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, इसका फोर्थ आंसर होगा. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ हैव आंसर्ड करेक्टली. आई थिंक शशांक ने सही जवाब दिया है, चिली ने सही जवाब दिया है, रोहित शर्मा, स्वरूप आचार्य, गरिमा राणा, नफीसा यूरोपा एंड हिमांशी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 46th क्वेश्चन. Which of the following constitute the exchanging part of respiratory system? आप सबको पता है कि दो पार्ट होता है, एक कंडक्शन पार्ट होता है ना, दिस इज कंडक्शन पार्ट. कंडक्शन पार्ट क्या करता है, वो एयर को मूव कर रहा है और एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, एयर को क्लीन करता है, टेम्परेचर सेम लाता है, दैट्स ऑल. एक्सचेंजिंग पार्ट में क्या होता है, ब्रीदिंग होता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. सो इसमें से कौन सा है जहाँ पे आपकी एक्चुअली O2 CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है. सो दैट इज योर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ठीक है. ये पार्ट है आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, ट्रकिया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तक, ये सारी चीजें कंडक्शन पाथ है. राइट आंसर इज सी. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. रोहित शर्मा, मोहम्मद अहमद, सॉरी शशांक, वर्षा, नहीं वर्षा का गलत हो गया, गरिमा ने सही जवाब दिया है, एंड देन जयश्री आंसर करेक्टली, हिमांशी, यूरोपा, आरती, मोहित. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. नेसोफैरिंग्स ओपन थ्रू डैश ऑफ द लैरिंग्स रीजन इन द ट्रैकिया. नेसोफैरिंग्स किसके थ्रू आपके लैरिंग्स पे ओपन कर रहा है ऑफ द ट्रैकिया. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ग्लॉटिस, राइट, देयर इज नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ ग्लॉटिस हियर. यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी ट्रैकिया, जो ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, एंड समवेयर हियर योर लैरिंग्स इज प्रेजेंट. यहाँ पे आपकी लैरिंग्स प्रेजेंट होती है जो कार्टिलेज से बनी हुई होती है, द लैरिंग्स, ठीक है. सो ग्लॉटिस के थ्रू ओपन हो रहा है, सो द राइट आंसर वुड बी 47. नेसोफैरिंग्स यहाँ थ्रू आपके ट्रैकिया में ओपन हो रही है. सो 47 आंसर वुड बी ए. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली. रोहित, जयश्री, गरिमा का बच्चे गलत हो गया, बच्चे आपका मोहित आंसर्ड करेक्टली, शुभम का भी गलत हो गया है, नो प्रॉब्लम, यूरोपा ने सही जवाब दिया है, मोहित ने सही जवाब दिया, हिमांशी ने भी और रोहित ने भी. चलो 48 क्वेश्चन. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बिल्ड्स अप इन द लंग्स, कॉजिंग देम नॉट टू इन्फ्लेट प्रॉपरली एंड एक्चुअली डिफ्लेटिंग देम इज कॉल्ड एज वॉट. कब होता है आपका फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस कुड बी ड्यू टू सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज पल्मोनरी फाइब्रोसिस. नाम से ही पता चल रहा है, ये तो बहुत ईजी है ना. आपकी लंग्स में जो एल्वियोलर टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, वो कन्वर्ट हो जाता है इंटू फाइबर्स, ठीक है. तो ऑब्वियसली प्रॉपरली तब आपका वहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में डिफिकल्टी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर जाती है लंग्स, ठीक है. सो 48 का सी इज द राइट आंसर. शशांक आंसर करेक्टली, रोहित शर्मा, ज्योति, नफीसा, गरिमा, जयश्री, ओके यूरोपा, मोहित, हिमांशी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट इन टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट कौन से लेवल पे, कब डिसोसिएट होता है ये HbO2 जो था, ये डिसोसिएट होगा इनटू Hb+O2. कब होता है ये चीज, व्हाट वुड बी द राइट आंसर. जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, राइट, इन द टिश्यूज, है ना, टिश्यूज में आपकी डिसोसिएट होगी, है ना. कब ये होता है, जब आपकी PO2 हाई है, तब आपकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएट होती है. सो दिस वुड बी द राइट आंसर टिश्यूज में. मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, राइट. आ कहाँ से रहा है O2, एल्वियोलाई से आ रहा है, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में डिसोसिएट होना जरूरी है.
वरना ओ टू आपके टिश्यूज में पहुंचेगा कैसे, अगर वो एचबी से बाइंड रहा तो लेगा कैसे आपका सेल, राइट? सो ए इज द राइट आंसर, नॉट सी. इक्वल ओ टू कैसे हो सकता है, अगर इक्वल पार्शियल प्रेशर हुआ तो ओ टू का भी डिसोसिएट ही नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 58th क्वेश्चन. इसका आंसर बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, ए 49 का, शशांक, निशांत, वर्षा, ज्योति, हिमांशी, यूरोपा, हिमान, गरिमा, नफीसा, निश एंड हाँ बिल्कुल सही, आरती एज वेल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. वेल एक मैमल है, उसमें लंग्स प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही. टैडपोल जो होता है आपका लार्वा है फ्रॉग का, एक्वेटिक है, गिल्स है, बिल्कुल सही. अर्थवर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, मॉइस्ट स्किन, वो भी सही. स्पाइडर में प्रेजेंट होता है बच्चों बुक लंग्स, उसमें सिर्फ लंग्स नहीं होता है, तो ये गलत हो गया. सो डी वुड बी द राइट आंसर हियर. ठीक है, मतलब ये आपका इनकरेक्ट है यहाँ पे 50 वाला. सो राइट आंसर शशांक, रोहित, वर्षा, गरिमा, हिमांशी, नफीसा ने सही जवाब दिया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ योर लंग. सो वाइटल कैपेसिटी मैंने आपको क्या बोला था, हमने बहुत बार ये डायग्राम बनाया है, मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ फिर से. आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी इज योर वाइटल कैपेसिटी, राइट? ओके, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, लेट्स सी हियर. कोई भी यहाँ पे नहीं है सिवाय, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज टीएलसी माइनस आरबी. अगर आप टीएलसी से आरबी को माइनस कर दोगे तो आपको बीसी मिल जाएगा. सो आई थिंक दिस वुड बी द राइट आंसर. टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम विल गिव यू वाइटल कैपेसिटी. वेरी नाइस, बहुत सही जवाब दिया है गरिमा ने, जयश्री ने, शुभम ने, जो हिमांशी ने, निशांत ने, यूरोपा ने, चिली पनीर ने. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है, मुझे भूख लग गया आपका नाम सुन के. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्शन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हमने रेस्पिरेटरी पार्ट देख लिया था, एक्सचेंज पार्ट देख लिया था, अब हमें कंडक्शन पार्ट देखना है. तो कौन कौन करता है जल्दी से यहाँ पे देख लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड, वॉट वुड बी द राइट आंसर. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू ट्रैकियन, नहीं बिल्कुल नहीं. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चेंबर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, योर फैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक. तो ये आंसर होगा पूरा. टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आती है, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई एक्सचेंज करता है. राइट आंसर दिया है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली. यूरोपा, रोहित, गरिमा ने सही जवाब दिया. हेलो रीना, नाइस टू सी यू हियर. ओके, परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 53rd क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं. बस हमारे पास 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं डिस्कस करने के लिए. लेट्स सी हियर, एन इंक्रीज फ्रॉम पीएच 7.2 टू 7.4, मतलब न्यूट्रल पीएच हुआ है, राइट? अराउंड हीमोग्लोबिन कॉजेस व्हाट, व्हाट वुड बी द राइट आंसर. अगर न्यूट्रल पीएच है मतलब पीएच ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है, ये 7 से 7.4 हुआ है तो पीएच इंक्रीज कर रहा है, मतलब एल्काइलिनिटी आपकी बढ़ रही है, राइट? सो एन इंक्रीज इन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से क्या होगा, HbO2 बन जाएगा. ये तो फेवरिंग फैक्टर है ना, तो दिस वुड बी द राइट आंसर टू. हाँ जी, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. ये फाइलम आर्थ्रोपोडा कैसे आ गया मोहित, मैंने तो वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है ना. ओके, सो करेक्ट आंसर वुड बी बी, रोहित ने सही जवाब दिया है. एंड सिर्फ रोहित ने ही सही जवाब दिया है 53 का. ओके, यूरोपा ने सही जवाब दिया है, हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, नफीसा और जयश्री ने भी सही जवाब दिया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 54th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एपिग्लॉटिस, इसमें से कौन सा ट्रू है एपिग्लॉटिस के लिए. जल्दी जल्दी इसका देख लेते हैं, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, हाँ बिल्कुल सही है. ये तो हमने अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले किया है ये वाला, राइट? ये आपका रिपीट हो चुका है, आई एम सो सॉरी, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. सो वी ऑल नो द आंसर ऑल ऑफ दीज, मैंने एक्सप्लेन किया था. तो वी आर मूविंग ऑन टू द 55th, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लूरल मेम्ब्रेन्स एक्सेप्ट, बहुत सारे आपके ट्रू है एक्सेप्ट कौन सा नहीं है ट्रू. व्हाट इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन, सपोज ये आपकी लंग्स है ना, दिस इज योर लंग हियर, लेट्स सी हियर, दिस इज वन सिंगल लंग. इस लंग को कवर किया हुआ है दो प्लूरल मेम्ब्रेन ने, एक आपके लंग की एकदम पास होता है, राइट? दिस वन हियर जो रेड कलर का मैं बना रही हूं, दिस इज हियर कॉल्ड एज द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है. ये आपका विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन है. इसके ठीक थोड़ी सी दूरी पे ही एक और यहाँ पे
membrane present hota hai, as you can all see here, and that is called as your parietal, jo aapke lung se dur hai, aapke thoracic cavity ke paas hai, parietal pleural membrane, ठीक है. तो इन दोनों membrane के बीच में एक छोटा सा gap जो आपको यहाँ दिखता है, this is nothing but your pleural cavity, ये होती है आपकी pleural cavity. तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा गलत है. Outer pleural membrane is in close contact with thoracic lining, is it true? Okay, is it correct? नहीं, ये तो गलत हो गया ना. Outer pleural membrane is in close contact, हाँ ये right है, sorry. Outer pleural membrane आपकी parietal, it is closer contact with your thoracic. यहाँ पे आपका thorax present है suppose, ठीक है. Inner pleural membrane is in contact with inner surface of the lung, yes correct. Pleural fluid is present between them, ये भी सही है. It increases friction on lung surface, no. It decreases the friction, ये decrease करता है friction को. So D would be the right answer. D सही answer है. Right answer दिया है रोहित ने, गरिमा ने, then मोहित ने भी सही जवाब दिया है, and who else? शशांक answered correctly. नहीं, शशांक ने पिछले वाले का करेक्ट दिया था, ये वाला नहीं. हिमांशी has also answered correctly. Moving on to the next question, 56th question पे हम पहुंच चुके हैं. The respiratory center in brain is stimulated by, कौन stimulate करता है आपकी respiratory centers को? राइट, जब भी आपकी CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी आपके आर्टेरियल ब्लड में, आर्टरी के ब्लड में, यूजुअली मोस्ट ऑफ द आर्टरीज का इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमेशा O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, CO2 का लो होना चाहिए. तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज योर आर्टरी ओनली, करेक्ट. तो अगर आर्टरियल ब्लड में उल्टा हो गया, CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी बॉडी को O2 की ज्यादा जरूरत है. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय द CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द आर्टेरियल ब्लड, नॉट वीनस ब्लड, क्योंकि वीनस में तो ऑलरेडी CO2 ज्यादा ही है, तभी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है ना मोस्ट ऑफ द वेन्स. सो करेक्ट आंसर. हाँ जी, नहीं नफीसा, ट्रू नहीं पूछा था पहले वाले क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लूरल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया, एक कौन सा ट्रू नहीं है. सो 56 का बच्चों सी होगा आंसर. नफीसा ने सही दे दिया है, यूरोपा ने सही जवाब दे दिया है, शशांक ने सही जवाब दिया है, हिमांशी ने सही जवाब दिया, जयश्री, मोहित, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, डोंट से सॉरी, वी आर जस्ट लर्निंग हियर, है ना. गलत हो रहा है तो नो प्रॉब्लम. चलो बस थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे 57th क्वेश्चन. द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फैरिंग्स. वी ऑल नो फैरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, राइट, सॉरी नॉट दिस वन, नेजो फैरिंग्स, ओरो फैरिंग्स एंड लैरिंजो फैरिंग्स, ठीक है. ये आपके तीन पार्ट होते हैं फैरिंग्स के, विच इज ऑल थ्री ऑफ देम आर कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. सो 57 का डी आंसर होगा. लेट्स सी हियर, किसने सही जवाब दिया है? शशांक ने, रोहित ने, ज्योति ने, नो प्रॉब्लम नफीसा, इट्स ओके, अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आप अभी पता चल गया ना. नफीसा ने भी सही जवाब दिया, हिमांशी ने सही जवाब दिया है, एंड गरिमा एज वेल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन इज, कम ऑन, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है ना. बुक लंग्स, मैंने आपको अभी बताया था, इट इज नथिंग बट बुक लंग्स. बुक गिल्स किस में होता है? बुक गिल्स होता है आपके लिम्यूलस में, जिसको हम लोग किंग क्रैब भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज नथिंग बट किंग क्रैब या फिर हॉर्स शू क्रैब, ठीक है. ओके, बकल कैविटी कहाँ देखते हैं हम? फ्रॉग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो. और लंग्स किस में होते हैं? मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, है ना, मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. 58 का ए आंसर है. जो हिमांशी, जयश्री, भावेश ने सही जवाब दिया है, एंड नफीसा, यूरोपा, गरिमा, ओके परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे. 59th क्वेश्चन. ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के मौसम में, अ पर्सन डाइड ड्यूरिंग स्लीप. द रूम वॉज क्लोज्ड, पूरा रूम बंद था, एंड देयर वॉज अ कंटेनर विथ बर्न चारकोल वॉज फाउंड इन इट. तो खिड़की दरवाजा बंद करके अंदर चारकोल, ऑब्वियसली क्योंकि ठंडी थी तो चारकोल जला के वो सो रहे थे, है ना, आग जला के सो रहे थे. सो क्यों मर गए वो पर्सन? ऑब्वियसली क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती रही कॉन्सेंट्रेशन, है ना, जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी उतनी आपकी HbO2 से डिसोसिएट होता रहेगा और ये बाइंड हो जाएगा Hb से, और ये इरिवर्सिबल होता है, ये टूटता ही नहीं है, और जिसकी वजह से O2 अगर आसपास है तो भी वो घूम रहा है,
तो भी वो बाइंड नहीं हो सकता। लेकिन ऑक्सीजन जब ये बर्निंग चल रहा था, अंगीठी जल रही थी, तो O2 को यूज कर रहा था, करेक्ट? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? Hb हैज मोर एफिनिटी टू कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज करेक्ट। एंड Hb हैज मोर, ये तो गलत हो गया ये वाला ऑब्वियसली, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है, बट ऑप्शन आपका यहाँ पे बोथ ए एंड बी वुड बी राइट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही दिया हुआ है, सो वी कैन टेक दिस एज एन आंसर, ठीक है? बी वुड बी एन आंसर, ठीक है? एच बी आपकी एफिनिटी ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। शशांक आंसर करेक्टली, रोहित, ज्योति ने सही जवाब दिया है, यूरोपा ने सही जवाब दिया है, जयश्री ने सही जवाब दिया है, एंड हु एल्स, ओके परफेक्ट, गरिमा एज वेल। 60th क्वेश्चन बच्चों, 60th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, अभी मैंने बनाया था डायग्राम, क्या बोलते हैं उस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन को? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट? दो मेम्ब्रेन होती है, एक विसरल एक पराइटल, तभी उसको डबल लेयर्ड बोलते हैं। तो 60 का भी ए आंसर होगा। लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। 60 का राइट आंसर इज गिवन बाय गरिमा राणा, रोहित शर्मा, जयश्री स्वामी, परफेक्ट। 61 में हम मूव करेंगे, हिमांशी ने भी सही जवाब दिया है, मोहित ने सही जवाब दिया है, यूरोपा, नफीसा, परफेक्ट। 61 क्वेश्चन, ये एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है? टोटल 60 करना था हमें, ये एक बोनस क्वेश्चन है, ऐसे ही बस मैंने डाल दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? अभी मैंने आपको बताया था दो पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है आपका, जो नोस्ट्रिल से शुरू होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, और आपके टर्मिनल ब्रोंकियोस पे खत्म होती है, उसके बाद रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट है। तो ये करती क्या है, वो आपके फॉरेन पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करती है, बिल्कुल करती है, ह्यूमिडिफाई करती है एयर को, मतलब मॉइस्ट करती है आपकी एयर को, क्योंकि आप ड्राई एयर ले रहे हो, राइट? और आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच भी करा देती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो आपके रेस्पिरेटरी पाथ में रुकता है, रुकते हुए जाता है वो एयर, ठीक है? तो वो एयर को गर्म करने में भी हेल्प करता है। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी करेक्ट, ठीक है? ये मैंने सुबह भी आपको बताया था, ठीक है? नफीसा, नहीं बच्चे कल क्विज नहीं होगा, कल आपका एक्चुअली मैराथन सेशन है। टुमारो एट अराउंड 10 PM यू हैव अ मैराथन सेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कहाँ पे? स्पेशल क्लास ऐप में जो होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आ जाना। ये आपके ड्रॉपर्स बैच के लिए है, बट इवन योर जो 11th में है और जो 12th में है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनीबडी कैन ज्वाइन दिस। और मैं पूरे एक क्लास में बायोमोलिक्यूल्स पूरा पढ़ाने वाली हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी, विथ कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे उसमें, या फिर अगर टाइम नहीं बचा तो नेक्स्ट डे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन एंड सेशन क्विज रख लेंगे, ठीक है? और ऑब्वियसली मेरी प्लस कोर्स भी चल रही है, तो आई विल सी यू ऑल एट अराउंड टुमारो 10 AM को मुझे मिलना आप लोग सब, ठीक है? टुमारो एट अराउंड 10 AM आई विल सी यू ऑल ऑन ऐप, कौन सा ऐप? अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और कौन सा ऐप हो सकता है, ठीक है? तो इस ऐप में आपको आना है फॉर स्पेशल क्लास, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टेंशन मत लो, आराम से आ जाना, ठीक है? पूरा बायोमोलिक्यूल्स में कवर कर दूंगी वहां पे, एंड यू कैन ऑल्सो प्लस पे भी आप आ सकते हो, प्लस कोर्सेज भी मेरी चल रही है, 29 तक चलेगी, कल भी क्लास है 6 बजे 6 PM को, और 3 बजे को आपके नीट वॉयर चैनल पे देयर इज गोइंग टू बी एन A to Z सीरीज, जो मैंने शुरू किया था आपके एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी कल होगा, कल भी मैं कुछ लेके आऊंगी, जैसे हमने सीजरियन सेक्शन के बारे में बात किया था लास्ट क्लास में, फिर हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी भी डिस्कस किया था, ओके? हाँ जी शशांक, थैंक यू सो मच, थैंक यू शशांक, आपको अच्छा लगा, थैंक यू नफीसा, थैंक यू सो मच बच्चे। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का भी बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, आई एम सो सॉरी मैं नाम नहीं ले पाई, रोहित ने, नॉलेज फॉर एवर ने, हिमांशी ने, एंड आशा ने सही जवाब दिया था, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। सो प्लस पे आने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, ठीक है? और बच्चों सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो चुका है ना, तो आपका जो पहले प्राइस था ये 27 वाला, ये इंक्रीज होके अब हो गया है कितना, 38,500 फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स के हो गया है 56,000, ठीक है? तो ये प्राइस अभी इंक्रीज हो चुकी है, बट टेंशन मत लो, आपको 10% डिस्काउंट फिर से मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ये कोड यूज कर लो, ठीक है? आ जाओ मेरे क्लास में, प्लस वाले क्लास में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। माय नेम स्वागता, SWHEATA स्वागता, ठीक है? वही कोड है आपका, तो आप यू नो यू कैन ऑब्वियसली टेक द सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट, क्योंकि प्राइस थोड़ी इंक्रीज हो गया, आई नो दैट 24 अक्टूबर से ही इफेक्टिव था ये प्राइस,
ठीक है गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो. ओके हेलो रोहित, हाँ जी, हैप्पी नवमी टू यू. थैंक यू हिमांशी, थैंक यू सो मच, थैंक यू नफीसा, एंड इट वॉज नाइस ऑफ यू टू ज्वाइन दिस क्लास एंड यू गॉट हैव पार्टिसिपेटेड सो वेल. आज बहुत लोगों ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही दिया है, है ना. ट्यूसडे को हम इसी चैप्टर का एक क्विज कर देंगे अनकैडमी ऐप में, ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, सर्कुलेशन, उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा, फिर 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद क्विज होगा, ठीक है. सो गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के साथ साथ पर्सनल कोचिंग मिलती है, नीट यूजी वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो, स्टडी प्लानर बना के मिल जाएगा एंड टेस्ट एनालिसिस भी. सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज नथिंग बट आप नीट वॉया चैनल को टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इस चैनल को, इस ग्रुप को, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर एक क्लासेस की, है ना. एज यू ऑल नो, ये सारे आपके एजुकेटर्स है नीट वॉयाज के, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, है ना. विभाति मैम है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आस्था मैम है, मैं हूँ ऑब्वियसली जूलॉजी में, बॉटनी में आपकी कोमल मैम है, ठीक है. तो आप को सारे एजुकेटर्स हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे मिल जाएंगे. ऑल ऑफ देम आर वेरी लर्नड, वेरी नॉलेजेबल, वो सारे आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है. सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इफ यू हैव लाइक दिस सेशन, ये जो क्वेश्चन है सेशन है लाइक किया तो आप इसको यू नो लाइक द सेशन एज वेल. थैंक यू भावेश, थैंक यू सो मच. एंड ओके रोहित लेट ज्वाइन किए थे बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके अगर आप लेट ज्वाइन किए हो, नो प्रॉब्लम. तभी मैं बोल रही हूँ अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी नोटिफिकेशन मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है. सो आई सी यू ऑल टुमारो, कल मॉर्निंग को मिलेंगे. तो जल्दी से एकदम अच्छे से एकदम हैवी ब्रेकफास्ट करके तैयार रहना क्योंकि 10 AM को आपका मैराथन सेशन है बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है. सो आई सी यू ऑल अगेन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे सेफ. And see you tomorrow.